या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत तिरुपती इलेक्ट्रॉनिक्स, बजरंग पुरा रोड, जामनेर, प्रोप्रायटर सनी डांगी, गेंदाबाई मोहनलाल लोढा, मोहन भवन प्रतिष्ठान जामनेर, जिल्हा जळगाव, अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी जवाहरलाल लोढा, धनपुष्प लघु उद्योग पापड निर्माता बडा कोठा जामनेर, जिल्हा जळगाव, प्रकाशचंद जैन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी जामनेर, जिल्हा जळगाव, जैन दिवाकर जगतवल्लभ प्रसिद्ध वक्ता पूज्य गुरुदेव का अद्भुत भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसमें उनके जीवन के चमत्कारों का उद्बोधन किया है। सच कहता हूं भक्तो, उद्धार हो जाएगा। सुमिरन करो चौथ मल जी का, बेड़ा पार हो जाएगा। सच कहता हूँ भक्तो, उद्धार हो जाएगा। सुमिरन करो चौथ मल जी का, बेड़ा पार हो जाएगा। राजा राणाओं की हस्ती झुकी है उनके आगे, चलती चलती रेलगाड़ियां झुकी है उनके आगे। श्रद्धा भाव से जिसने भी चरणों में शीश झुकाया, हुई मुरादें पूरी उसकी, बिन मांगे सब पाया, बिन मांगे सब पाया। आंखें खोलो, मन की आंखें खोलो, दीदार हो जाएगा। सुमिरन करो चौथ मल जी का, बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार हो जाएगा।
दिलों में लौट लौट कर अपना उसे बना ले। स्वर्ग तेरी आंखों में होगा, गुरु का ध्यान लगा ले, गुरु का ध्यान लगा ले गुरु चरणों में, गुरु चरणों में हर सपना साकार हो जाएगा। सुमिरन करो चौथ मल जी का बेड़ा पार हो जाएगा। वाणी के जादूगर, कलाम कलम के कलाधार, संसार के बेताब बादशाह, जिनकी घर घर में है चर्चा और श्रद्धा में है परचा, ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। दया के देवता, क्षमा के सागर, विरक्त योगिनी, इंद्रिय विजेता, पूज्य गुरुवर्या के चरणों में नंदन वंदन अभिनंदन। मेरी अनंत आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। बड़े ही श्रद्धा के साथ एक साथ में बोलोगे, सच कहती हूँ भक्तों वो उद्धार हो जाएगा, सुमिरन करो चौथ मल जी का बेड़ा पार हो जाएगा, सुमिरन करो चौथ मल जी का बेड़ा पार हो जाएगा। राजा रानाओं की हस्ती झुकी है उनके आगे, चलती चलती रेलगाड़ियाँ रुकी है उनके आगे, श्रद्धा भाव से जिसने भी चरणों में शीश झुकाया, हुई मुराद पूरी उनकी, बिन मांगे सब पाया, बिन मांगे सब पाया। मन की आंखें खोलो हो, मन की आंखें खोलो, दीदार हो जाएगा, सुमिरन करो चौथ मल जी का बेड़ा पार हो जाएगा, सुमिरन करो चौथ मल जी का बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन। बंधुओं, कल आपके सामने छठा और सातवां अध्ययन जो हमारे अंतर्गत शास्त्र वाचन से आपको सुनाया जा रहा था, और आज हमारे सामने एक ऐसा वर्णन आ रहा है, एक ऐसे नारियों का वर्णन आ रहा है कि जिन्होंने क्या किया, त्याग तपस्या करके, दीक्षा अंगीकार करके, सिद्ध बुद्ध को क्या हुई है, प्रस्थान कर चले गए हैं। यह संवत्सरी पर्व, आज हमारा जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, संवत्सरी महापर्व, जो पर्युषण के 7 दिन होते हैं और जो 8वां दिन हमारे समक्ष आता है, हमारे सामने आता है, वो कौन सा दिन होता है, संवत्सरी महापर्व। यह संवत्सरी पर्व अध्यात्म दशा उत्पन्न करने वाला कारखाना है। संवत्सरी पर्व को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है। जिस प्रकार सर्व वृक्षों में कल्प वृक्ष सुविख्यात है, श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सर्व पर्व रूपी वृक्ष में यह मुकुट के समान, यह संवत्सरी पर्व कल्प वृक्ष के समान श्रेष्ठ एवं विख्यात है। वितराक शासन रूपी शासन, वितराक शासन रूपी वाशिंग कंपनी में वितराक पथ के मुख्य अनुयायी साधु संत धोबी बनकर कर्म का मेल धो लेने के लिए आह्वान करते हैं कि हे भव्य आत्माओं, आज के दिन आप क्या करो, जग जाओ, बल्कि क्या करो, सो मत,
तो भव्य आत्माओं को उपदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि हे आत्माओं जागो और उठो, वितराग वाणी रूपी पानी लेकर। क्या करना है हमें आज के दिन? वितराग रूपी पानी लेकर, सम्यक रूपी सनलाइट साबुन को लेकर क्या करना है? वितराग रूपी वाणी पानी लेकर और सम्यक रूपी सनलाइट साबुन लेकर समता की शिला पर क्या करना है? समता की शिला पर, यानी क्या है? जिस तरह आप कपड़े धोते हो, क्या करते हो, किस पर धोते हो? फर्श या भाटे पर धोते हो। तो भगवान फरमा रहे हैं कि वितराग वाणी रूपी पानी लेकर, सम्यक्त रूपी सनलाइट साबन को लेकर, समता की शिला पर, धर्म रूपी बड़ी लाठी से, ये जो अपने आत्म रूपी वस्त्र है, कौन से है? जो आत्म रूपी वस्त्र है, धोकर स्वाप एवं स्वच्छ कर लो। क्या करना है आज के दिन हमें? जो हमारे आत्म रूपी वस्त्र है, उन्हें आज के दिन हमें साफ एवं स्वच्छ करना है। समस्तरी पर्व, अज्ञानता में भटके हुए जीवों को रत्नत्रय का नॉलेज प्राप्त करने का यह एक कॉलेज है, और भव भ्रमण रोग निर्मल करने की क्या है? डिस्पेंसरी है। आज देखा जाता है, आज जगह जगह पर क्या हो रहता है, छोटे से छोटे गांव में भी क्या होता है, हॉस्पिटल होता है, दवाखाने होते हैं, लेकिन परम उपकारी परमात्मा प्रभु महावीर ने आज हमारे सामने भव रोग नष्ट करने की क्या खोला है? हॉस्पिटल खोला है और डिस्पेंसरी खोली है। क्या खोला है? हॉस्पिटल भव रोगों को निर्मल करने की डिस्पेंसरी, और हॉस्पिटल भगवान परमात्मा प्रभु महावीर ने खोल रखा है, और साधु साध्वी रूपी डॉक्टर भेजे है। आपके डॉक्टर तो भी क्या करते हैं? फीस लेते हैं, दवाई भी फ्री ऑफ चार्ज में नहीं देते हैं, जबकि साधु संत जो परमात्मा ने साधु संत रूपी डॉक्टर भेजे हैं, तो वह संत आपको क्या करते हैं? फ्री ऑफ चार्ज में क्या करते हैं? दवा देते हैं। और यह हॉस्पिटल प्राइवेट नहीं, परंतु क्या है? यह जनरल हॉस्पिटल है। किसी ने बताया है, भो रोगों को मिटाने हेतु डॉक्टर बनो। क्या बताया है? भो रोगों को मिटाने हेतु डॉक्टर बनो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए लाइटर बनो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट लाइटर बनो। धर्म आराधना कंपनी के डायरेक्टर बनो, और मोक्ष मंजिल के उज्जवल स्टार बनो। तो भव्य आत्माओं, आपके सामने जो आज वर्णन सुनाया जाएगा, किसका वर्णन आएगा? जो श्रेणिक महाराजा की रानिया का वर्णन आएगा, जिन्होंने अपने तपस्या के द्वारा शरीर का क्या कर दिया, उन्होंने शरीर की पूरी काया झरझर करते हुए उन्होंने पूरा अपनी शरीर तपस्या में लीन करके मोक्ष मंजिल की प्राप्त किया, मोक्ष मंजिल को क्या किया है? प्राप्त किया है। तो आज आपके सामने आठवें वर्ग का जो अंतगण दशांग सूत्र के अंदर जो सबसे अंतिम वर्ग है वो कौन सा है, वो आपके सामने सुनाया जाएगा, अष्टम वर्ग। जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम अट्ठम संगस अंतगण दशानम सप्तम वग्गस अयमट्टे पनत्ते। अट्ठम सनम बनते वग्गस अंतगण दशानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पनत्ते यम खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अट्ठम संगस अंतगण दशानम अट्ठम वग्गस दश अध्ययना पनत्ता। तम जा काली सुकाली मा काली कन्ना सुकन्ना मा कन्ना वीर कन्ना य बोद्धवा राम कन्ना तय वय पीयूसेन कन्ना नवमी दशमी महासेन कन्ना य जैनम बनते अठमस्य वग्गस्य दश अज्जयन पनत्ता पणमस्सनम बनते अच्छयनस्य समनेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पनत्ते। जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से कहा कि हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने जो मुक्ति में पधार गए, उन आठवें अंग श्री अंतगण सूत्र के सातवें वर्ग में जो वर्णन फरमाया वह आपसे मैंने सुना, परंतु भगवान अंतगण के आठवें वर्ग में भगवान ने क्या फरमाया है, कृपा कर उसे फरमा में। हे जम्बू, आठवें अंतगण श्री सूत्र के अंदर आठवें वर्ग में कुल 10 अध्ययन है,
वे इस प्रकार है: काली सुकाली, माँ काली, कृष्णा सुकृष्णा, माँ कृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, पितृसेन कृष्णा और महासेन कृष्णा। यो 10 ही रानियों के नाम से 10 अध्ययन है। भगवान इन 10 अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन में क्या वर्णन है कृपा करके फरमावे। एम खलु जम्बु तेनम कालेनम तेनम समयनम चंपा नामम नैरी होता पुनः पद्ये चैये तत्थनम चंपाये नैरिये कोनिये राया मन्नो तत्थनम चंपाये नैरिये सेनीय सरन्नो भज्जा कोनीय सरन्नो चुल्लमाऊया काली नामम देवी होता वन्नो जा नंदा जाव समय मायी इकार संगाईम ऐचयी ऐचयता बहुयम चौथ छठट्ट मेहिम जाव अपानम भावे माने वी रही। हे जम्बू सुनो, भगवान महावीर के विद्यमान समय में पूर्ण भद्र नामक मनोहर उद्यान से सुशोभित चंपा नामक एक परम सुंदर नगरी थी। वह उस समय कौनिक राजा राज्य करते कर रहे थे। उसी के राजघराने में राजा सैनिक की पत्नी और राजा सैनिक की छोटी माता काली नामक एक रानी थी। उन्हीं दिनों भगवान महावीर विचरते वहाँ पधारे। काली रानी ने भगवान का उपदेश श्रवण कर नंदा रानी की भांति दीक्षा ग्रहण की। सामयिक से लेकर 11 अंग तक का ज्ञानाभ्यास उन्होंने किया। तपस्या करने में भी कुछ कमी उन्होंने नहीं रखी। कभी वे उपवास करती थी तो कभी बेला और कभी तेला, ऐसे नाना भांति की तपस्या से अपनी आत्मा को आराधित करने में तत्पर होकर वे इधर उधर विचरने लगी। तैनम सा काली अज्ञ अनया कयाई जैनव अज्ञ चंदना अज्ञा तैनव हुआ गया हुआ गच्छिता एवं वयसी इच्छा मिनम बनते उज्जा अज्जाओ तुभ्य मबनुनाया समानी रयनावलिम तवम उपजितानम वियरक्तई अहासुअम देवानुपिया माँ परिबद्धं करेई। तैनम सा काली अज्ञा अज्ञ चंदनाये अभनुनाया समानी रयनावालिम तव कम्मम उपजितानम वियरई तम जहां। एक दिन वे काली नामक साध्वी माँ सती जी श्री चंदन बाला आर्य जी के पास आकर बोली, हे महाभागा, मेरी ऐसी इच्छा है कि आपकी आज्ञा प्राप्त होने पर मैं रत्नावली नामक तपस्या की आराधना करूं। माँ सती चंदन बालाजी ने कहा कि हे देवानुप्रिय, जिस प्रकार तुम्हें सुख प्राप्त हो वैसा ही क्या करो, तुम करो। तपस्या करने में तनिक भी विलंब मत करो। इस प्रकार अपनी गुरुनी जी की आज्ञा प्राप्त कर वे काली नामक साध्वी उसी रत्नावली नामक तपस्या को करने में संलग्न हो गई। वह रत्नावली तप इस प्रकार है: चौथम करी करिता चौ काम गुनियम पारिपरिता, छठम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, अठमम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, अठम छठम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, चौथम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, छठम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, अठमम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, दशमम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, द्वाल समम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, चौदसम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, सोलह समम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, अठारह समम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, विषयिमम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, बाविषयिम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, चौबीसमम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, छविषयम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, अठविषयम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, तिसमयम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, बत्तीसयम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, चौतीसयम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, चौतीस छठयम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, चौतीसयम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, बत्तीसयम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, तीसयम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, अठ्ठावीसयम करीम करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, छविसयम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, चौबीसयम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, बाविसयम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, विषमयम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता, अठारसमम करी करिता सव काम गुनियम पारिपरिता,
सोलह समम करे करिकता सव काम गुण्यम पारिपारिता चौदह सम करे करिकता सव काम गुण्यम पारिपारिता बारह सम करे करिकता सव काम गुण्यम पारिपारिकता दसमम करे करिकता सव काम गुण्यम पारिपारिता अठमम करे करिकता सव काम गुण्यम पारिपारिता छठम करे करिकता सव काम गुण्यम पारिपारिता चौथम करे करिकता सव काम गुण्यम पारिपारिता अठम छठाइम करे करिकता सव काम गुण्यम पारिपारिता अठमम करे करिकता सव काम गुण्यम पारिपारिता एवं खलु ऐसा रेना वलिये तव कमस पड़मा परिवाड़ी एगेनम सव छेरेनम तिहिम मासेसिम बाविसाय अहोरत्नेहिम अहसता जाव आराया भवई। मुन काली नामक आर्या ने रत्नावली तपस्या करने के लिए उपास किया, पारना करके बेला किया, पारना करके तेला किया, पारना करके आठ बेले किए, पारना करके उपवास किया, पारना करके बेला किया, पारना करके तेला किया, यू अंतर रहित चोला किया, पाँच किए, छः किए, सात किए, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह और सोलह किए, फिर चौंतीस बेले किए, पारना करके वह सोलह दिन की तपस्या की, पारना करके पंद्रह दिन की तपस्या की, ऐसे चौदह तेरह बारह ग्यारह दस नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो और उपास किए, पारना करके आठ बेले किए, पारना करके तेला किया, पारना करके बेला किया, पारना करके उपास किया, फिर पारना किया। इस प्रकार उन्होंने रत्नावली तप की एक परिपाटी की, ऐसी तपस्या की एक बार लड़ी करने में पूरा एक वर्ष तीन महीने और बाईस दिन लगते हैं। जिस प्रकार सूत्र में विधि बताई है उसी तरह इन आर्य जी ने भी इसकी आराधना की। ऐसी एक परिपाटी करने में 384 दिन उपवास और 88 दिन क्या होते हैं पारने आते हैं, ये सब 472 दिन होते हैं। तयानंतरम चनम दोचाय परिवाड़ी चौथम करे करिता विगई वज्जम पारिपारिता छठम करे करिता विगई वज्जम पारिपारिता एवं जापणमाये वि नवरन सव पारनाय विगई वज्जम पारिपारिता जाव आरैया भवई। तयानंतरम चनम तच्चाय परिवाड़ी चौथम करे करिता अलेवाड़म पारे शेषम तयो एवं चौथा परिवाड़ी नवरन सव पारनय अयम बिलम पारे शेषम तम ते वचेव पड़मामी सव कामम पारनयम विये विगय वज्जम तत्तियम वि अलेवाड़म अयम बिलयो चौथमी तयनम से काली अज्जा रैनावली तव कम्मम पंचयी सव छरेम दोई दोई यम आसेह्यम अठविषाय दिवसेह्यम आहसुतम जाओ अहरयता जैन्य अज्ज चंदना अज्जा तेने उवा गया उवा गच्छिता अज्ज चंदन वंदई नमस्ते वंदयिता नमसिता बहुयम चौथम जाओ अपानम भावे मानी विय रही। तत्पश्चात उन काली नामक साध्वी ने इस रत्नावली तपस्या की परिपाटी श्रृंखला कर ली और उसके साथ ही दूसरी परिपाटी श्रृंखला करने में उद्यत हो गई। प्रथम उपास किया, उपास के पारने में विगय दूध दही मिष्ठान तेल घी आदि का खाना एकदम बंद कर दिया। इस प्रकार उपास पारना कर बेला किया, पारने में विगय बंद रखा, इसी तरह तेला किया, पारने करके आठ बेले किए, पारना करके उपवास किया, बेला किया, तेला किया, यूँ सोलह तक किया, फिर चौंतीस बेले किए, पारना करके सोलह किए, फिर पंद्रह चौदह तेरह बारह ग्यारह दस नौ आठ छः पाँच चार तीन दो और उपवास किए, पारना करके आठ बेले किए, पारना करके तेला किया, बेला किया, उपवास किया, सभी पारनों में विगय बंद रखा। जिस प्रकार पहली परिपाटी की उसी तरह दूसरी भी की, विगय इन विगय में तो खाई ही नहीं गई। साथ ही रत्नावली की तीसरी लड़ी भी इस तरह की, यहाँ तक कि विगय बंद रखने के साथ ही साथ घी से चुपड़ी हुई रोटी तक नहीं खाई, अर्थात लेप वाली वस्तुओं को खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। तीसरी परिपाटी के पूर्ण होते ही चौथी परिपाटी भी इस तरह की, इसके पारने के दिन आइम्बिल लुखी रोटी और वह भी धोवन या ठंडे किए हुए गर्म जल में भिगो कर खा लेती थी। इस प्रकार वे काली नामक साध्वी जी रत्नावली तपस्या करते हुए पूरे पाँच वर्ष दो महीने और 28 दिनों में जैसे सूत्र में विधि बतलाई गई है उसी प्रकार इस तपस्या की आराधना कर अपनी गुरुनी श्री चंदन बाला आर्य जी के पास वे आई और उन्हें विधि पूर्वक वंदन करके फिर फुटकर उपास बेले तेले की तपस्या करती हुई अपनी आत्मा को पवित्र करती रही। तैनम सकाली अज्जा तैनम औरालेनम जाव दम संतिया जाया या भी होता से जा इंगाल संगड़िया जाव सूय या उयासाने य भासारी सिपलिच्छना तवेनम तयेनम तवे तय सिरिय अय ओ सोभे मानी
मेहमानी चिट्ठई। तदनंतर उन काली नामक आर्य जी का शरीर इस प्रकार की प्रधान तपस्या करने से प्राय मांस और खून से रहित हो गया। केवल अस्थि पंजर का ढांचा मात्र में वे रह गई। उठते बैठते उनकी हड्डियां कड़ कड़ शब्द करने लगी और उनके शरीर में चौ और नसों का जाल सा दिखाई देने लगा। वे अपने आयुष्य बल से जीवित थी और चलती फिरती थी। वे इतनी क्रश हो गई थी, बोलना तो दूर रहा पर बोलने के विचार मात्र से ही उन्हें कष्ट प्राप्त होता था। जिस प्रकार सूखे काष्ठ, सूखे पत्ते या कोयले की भरी हुई गाड़ी चलते समय आवाज करती है, उसी तरह हड्डियां भी उठते बैठते चलते फिरते आवाज करने लगी थी। यदि भी उन साध्वी जी के शरीर का मांस एवं रुधिर प्राय सूख गया था, तब भी जप और तेज रूपी रक्षमी से वे दिन दुनी और रात चौगुनी संपन्न होकर शोभा को प्राप्त होती जा रही थी। तैनम तिसे कालिये अज्जाय अन्नया कयाई पुवरत व्रत काले अयम अज्ज थिये जहा खंदयस्य चिंता जहा जाव अथि उठाने कमे बले वीरिय पुरी सकार पर कमे सदा दी संवेग ताव ताव में सेयम कल्लम जाव जलंते अज्ज चंदनम अज्ज पुछिता अज्ज चंदनाय अज्जाय अब्बनुनाय समानिये सलेहना झूसना आराना भक्तपानम पड़िया इखये कालम अनवंखमाने वीरते ती कट्ट एवं संपै संपैता कल्लम जैनेव अज्ज चंदना अज्जा देनेव हुआ गच्छेता अज्ज चंदनम अज्ज वंदई नमस्ते नमस्ता वंदिता एवं वयासी इच्छामिनम अज्ज तुभ्ये अब्बनुनाया समानि सलेहना जाव वीरते आ सोम देवानुपिया मा पड़िबद्धम करे तव काली अज्जा चंदनाय अब्बनुनाया समानि सलेहना जुसिया जाव वीरई सा काली अज्जा अज्ज चंदनाय अत्ये सामय्यमायी इकार संगाइम ऐजेता बहुपड़ी पुन्नाइम अठवच्छराइम सामान्य परियागम पौनिता मासियाय सलेनाय अपानम जुसेता सत्यम बत्ताइम अनसनाय छेदिता छेदिता जसट्टा किरई जाव चरी मुस्सा सनिसा सेम सिद्धा। तत्पश्चात उन काली आर्य जी को एक रोज पिछली रात्रि के समय खंडक की भांति ऐसे विचार आए उत्पन्न हुए कि मेरा शरीर तपस्या से इस प्रकार क्रश हो गया है, तब भी मुझमें उत्थान बल वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम श्रद्धा धृति संवेग और शक्ति आदि सभी अभी का विद्यमान है। अतएव कल सूर्योदय होते मुझे गुरानी माँ सती श्री चंदन बालाजी से पूछकर आहार पानी का जीवन भर के लिए परित्याग कर लेना चाहिए। उन तथा संतारा करके जीवन एवं मृत्यु की आशा रहित होकर विचरण करना चाहिए। ऐसा विचार कर सूर्योदय होते ही काली नामक आर्य जी माँ सती चंदन बालाजी के पास आई और उन्हें वंदन नमस्कार करके बोली कि महाभागा, मेरी इच्छा है कि आपकी आज्ञा प्राप्त होने पर मैं संतारा करके रहूं। उत्तर में महासती चंदन बालाजी आर्य जी ने फरमाया कि हे देवानुप्रिय, जो तुम्हें सुख कर हो वैसा ही करो, इसमें विलंब मत करो। इस प्रकार आज्ञा हो जाने पर उन्होंने संतारा कर लिया। इन साध्वी जी ने अपनी गुरानी महासती श्री चंदन बालाजी के समीप सामायिक से लेकर 11 अंगों तक का संपूर्ण ज्ञानाभ्यास किया। 8 वर्ष तक चारित्र पाला और 1 महीने में संतारा संपूर्ण घन गाती कर्मों का अंत कर अंतिम श्वासोश्वास के पश्चात वे सिद्ध गति मोक्ष में पहुंच गई। मुख्य वीजयन सयम खोलु जम्बु तेनम कालनम तेनम समयनम जम्पा नामम नैरी पुनः बद्ध चये कोनीय राया तथनम सैन्य सरन्नो भज्जा कोनीय सरन्नो चुल्लमाओ या सुकाली नामम देवी जहा कालिता सुकाली वी निखंता जाव बहुहि बहुहिम चौत्थम अपानम भावे मानी बीए रे तैनम ससुकाली अज्जा अन्नया कयाइन जैनेव अज्ज चंदना अज्जा जाव वच्छामी नम अज्ज तुभ्य अब्बनुनाया समानी कनगावली तव कम्मा उवस भजितान बीए रे तैयम जहा रयनावली तह कनगावली वी नवरम तिसु स्थानेसु अठमायम करे जहा रयनावली छट्टाइम एक्काय परिवाड़िये सवच्छरो पंचमासा 18 दिवसा से सम तयव नवमासा परियाव जाव सिद्धा। जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से कहा कि हे भगवान, मैंने आपके श्री मुख से प्रथम अध्ययन श्रवण कर लिया, आगे दूसरे अध्ययन में जो वर्णन है कृपा करके अब उसे फरमावे। सुधर्मा स्वामी बोले कि हे जम्बू, सुनो, उस समय मई चंपा नाम की नगरी थी। वहाँ कौनिक राजा राज्य करता था। श्रेणिक राजा की पत्नी और कौनिक राजा की लघु माता सुकाली नाम की एक रानी थी। उन दिनों वहाँ एक बार भगवान महावीर स्वामी पधारे। जिस प्रकार पहले काली रानी ने दीक्षा धारण की, उसी प्रकार इस सुकाली महारानी ने भी क्या करी, दीक्षा ग्रहण की। एक दिन यह सुकाली नामक साध्वी माँ सती चंदन बाला आर्य जी के पास आकर यूं बोली कि हे महाभागा आर्य जी, आपकी आज्ञा होने के पश्चात
मेरी इच्छा है कि मैं कनकावली नामक तपस्या की आराधना करूं। उत्तर में उन्होंने कहा, जैसे सुख हो वैसा करो। तदनंतर उन सुकाली आर्य जी ने जिस प्रकार काली आर्य जी ने रत्नावली तपस्या की थी, उसी प्रकार इन्होंने भी कनकावली नामक तपस्या की। परंतु जहाँ रत्नावली में 3 जगह बेले किए या उस जगह में तेले किए, इस कनकावली की परिपाटी श्रृंखला करने में पूरा 1 वर्ष 5 महीने और 12 दिन लगते हैं। इसमें 88 दिन पारने और 1 वर्ष 2 महीने एवं 14 दिन तपस्या के होते हैं। ऐसे चारों ही परिपाटी करने में 5 वर्ष 9 महीने 18 दिन लग जाते हैं। वह कनकावली तपस्या इस प्रकार होती है। इस तपस्या के समाप्त होने पर भी कई तपस्याएं उन्होंने की, जिससे उनका शरीर सूख कर काटा सा बन गया। अंतिम दिनों में संतारा कर 9 वर्ष का चारित्र पालन करके वे भी मोक्ष में पहुंची। एवं महाकाली वी नवरम खुडागम सिंह निकी लियम तो कम वितानम वीरई तम जा चौथम करी करिता सव काम गुण्यम पारे पारिता छठम करी करिता सव काम गुण्यम पारे पारिता चौथम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता अठम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता छठम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता दसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता अठमम करी करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता द्वालसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता दसमम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता चौदसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता बारसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता सोलसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता चौदसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता अठारसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता सोलसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता बीसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता अठारसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता बीसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता सोलसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता अठारसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता चौदसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता सोलसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता बारसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता अठ्ठयम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता चौदसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता दसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता बारसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता अठमम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता दसमम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता छठम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता अठम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता चौथम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता छठम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता चौथम करी करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिकता तैव चतारी परिवाड़ियों एकाए परिवाड़िय छमासा त सतत य दिवसा चौनम दो वारिसा अठवीसा ये दिवसा जाव सिद्धा एवं कन्ना वी नवरम महालयम सिहिन्नी किलियम तव कमम तहेव जयव खडगम नवरम चौतीसयम जाव नायवम तहेव उषा रेयवम एकाय वारिसम छम्मा अठरस य दिवसा चौनम छ वारिस दो मासा वारस अहोरत्तम शेषम जा कालिये जाव सिद्धा। हे जम्बू, इस वर्ग के 3rd अध्ययन में वर्णन है कि चंपा नगरी के सैनिक राजा की पत्नी और कौनिक की छोटी माता महाकाली रानी ने विश्व काली रानी की तरह दीक्षा धारण की। इन महाकाली नामक साध्वी जी ने लघु सिंह निष्क्रेडिट नामक तप किया। वह इस प्रकार है, सर्वप्रथम उपास किया, पारना करके बेला किया, पारना करके उपास किया, पारना करके तेला किया, यूं बेला किया, तेला किया, चोला किया, पचोला किया, चोला किया, 6 किए 5 किए 7 6 8 7 9 8 7 5 6 चोला पचोला तेला चोला बेला तेला उपास बेला और उपास किया। इस प्रकार लघु से निष्क्रेडित नामक तप की एक परिपाटी की, जिसमें 33 दिन तो पारना की और पूरे 5 महीने एवं 4 दिन की तपस्या हुई। ये 4 परिपाटी की जिसमें 2 वर्ष और 28 दिन लगे इस तपस्या इस प्रकार है। लघु से निष्क्रेडित तप की उन महाकाली आर्या जी ने सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार आराधना करी। तत्पश्चात फिर उन आर्या जी ने ऐसी तपस्याएं की, अंतिम समय में संतारा करके कर्मों का संपूर्ण नाश हो जाने पर मोक्ष में वे पहुंची। इसी तरह राजा सैनिक की पत्नी और कौनिक की छोटी माता कृष्णा नामक रानी ने भगवान का उपदेश श्रवण कर श्री चंदन बाला आर्या जी के पास दीक्षा धारण की। और जिस प्रकार महाकाली आर्या जी ने लघु सिंह निष्क्रेडित नामक तप में 9 तक की तपस्या की थी, ठीक उसी प्रकार इस तप की प्रथम परिपाटी श्रृंखला इस प्रकार की, सर्वप्रथम उपास किया, पारना करके बेला किया, पारना करके उपास किया, यूं तेला किया, बेला, चोला, तेला, पचोला, चोला, छ,
5, 7, 6, 8, 7, 9, 8, 10, 9, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 13, 14, 13, 11, 10, 11, 9, 10, 8, 9, 7, 8, 6, 8, 7, 9, 8, 10, 9, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 13, 14, 13, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 13, 14, 13, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 13, 14, 13, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 13, 14, 13, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 13, 14, 13, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 13, 14, 13, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 13, 14, 13, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 13, 14, 13, 11, 10, 12
61 दिन उन सती जी ने पारना और भोजन किया और पूरे एक वर्ष 4 महीने तथा 17 दिन अर्थात 497 दिन तपस्या की। ऐसी एक परिपाटी करके साथ ही साथ दूसरी तीसरी और चौथी परिपाटी भी की, जिसमें पूरे 6-6 वर्ष 2 महीने और 12 दिन लगे। वह महासीय निष्क्रणी तप की परिपाटी इस प्रकार है। इस प्रकार कृष्ण आर्य जी ने महासीय निष्क्रणी तपस्या विधि पूर्वक करके फिर कई फुटकर तपस्या भी की। अंतिम समय में संतारा करके काली आर्य जी के समान वे भी मोक्ष में पहुंची। एवं सुकन्या भी नवरम सत्य समयम भिक्खु परिमम वसपचितान वीर पड़े में सत्य एक एक कम हो न सदत्तिम पड़ी गाय एक एक कम पाने ये सदोचे सत्य दो दो भोय न स दो दो पाना ये स पड़ी गाय तच्चे सत्य तिन्नी भोय न यस तिन्नी पान यस चौथे चौव पंचमे पंच छठे छ संतमे सप्तमे सत्य सदंतियो भोयन स पड़ी गाय सत्यपान यस एवं खलु सत्य समयम भिक्खु पड़िमय एगुन पन्नाय राय दियेम एगेन ये छन्न हुएन भिक्कासयन अहासुता जाव आरता चेनेव अज चंदन अज तेने उवा गया अच्छ चंदनम अज्जम वंदई नमसई नंदिता नमसिता यो मयसी इच्छा मीनम अज्जो तुभ्य अभुनाय समानी अट्ठटमियम भिक्खु पड़िम उवस भजितानम वीरते अहसोम देवानुपिया माँ पड़िबद्धम करी। इस तरह राजा सैनिक की पत्नी और कौनिक की छोटी माता सुकृष्णा नाम की रानी ने भी भगवान महावीर का उपदेश श्रवण कर श्री चंदन बाला आर्य जी के पास दीक्षा धारण करी। तत्पश्चात सुकृष्ण आर्य जी ने भी इस सप्तमिका नामक भिक्षु परिमा अंगीकार की। वह इस प्रकार है, वे सात दिन तक यानी नित्य प्रति एक बार गृहस्थ के द्वारा दिए हुए भोजन और पानी पर निर्वाह करना, अर्थात एक वक्त में रोटी का पाव हिस्सा और एक बार ही धारा में जितना पानी लिया पिया उतना ही रोज खाते पीते, किंतु दोबारा मांग कर फिर नहीं लाते। यही क्रम 7 दिन तक रखा जाए, इसी को सप्तमिका भिक्षु परिमा कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे सप्ताह में 2 बार किया हुआ भोजन और पानी ग्रहण किया और फिर इसी प्रकार क्रमश तीसरे सप्ताह में 3 बार, चौथे सप्ताह में 4 बार, पांचवें सप्ताह में 5 बार, छठे में 6 बार और सातवें में 7 बार गृहस्थ द्वारा दिए गए भोजन और पानी को ग्रहण कर उसी पर अपने प्राणों की प्रतिपालना की। उन 50 दिन तक इसी प्रकार की सप्त भिक्षु परिमा सूत्र में जिस विधि से पाली जाती है, उसी प्रकार से कृष्णा नामक आर्य जी इस तपस्या को समाप्त कर माँ सती चंदन बालाजी आर्य जी के पास आई और उन्हें वंदना करके बोली कि हे देवानुप्रिय, मेरी इच्छा है कि आपकी आज्ञा होने के पश्चात अष्ट अष्टमी का भिक्षु परिमा को अंगीकार करके मैं विचरण करूँ। उत्तर में श्री चंदन बालाजी ने कहा कि फरमाया, जिस प्रकार भी तुम्हें सुख हो वैसा करो, उसमें विलंब को रति भर भी स्थान मत दो। तैनम स सुकन्ना अज्जा अज्ज चंदनाय अभनुना या समानी अट्ठटमियम भिक्खु पड़िम वो सब अजितान वीह रही पड़े में अट्ठ एक एक कभोय न स दंती पड़ी काय एक एक कम पानक अस दत्तिम जाओ अट्ठ में अट्ठ अट्ठट भोय न स दत्तिम पड़ी गाय अट्ठ पानक अस एवं खोलू एवं अट्ठटमियम भिक्खु पड़िम चौसठी ये राइन दिए हिम दोही य अठ शिष्य हिम विकास हिम महासुतम जाओ अराहिता नव नवमियम भिक्खु पड़िम व सब जितान विय रही पड़े में नव एक एक कम भोय न सदत्तिम पड़ी गए य एक एक कम पान स जाओ नव में नववे नव नव दत्तिम भोय न स पड़ी गए य नव नव पान यस यम खुलु नव नवमियम भिक्खु पड़िम एक्कासीयम राय दिहिम चौहिम पचोतर हिम विका सही महासुत्ता जाव आरायता दस दसमीय भिक्खु पड़िम व स भजितान वीर पड़ में दस एक एक भोय न स दत्तिम पड़ी गाय एक एक कम पानय स जाव दस में दस 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 भोय न स दत्तिम पड़ी गाहे दस दस पानय स यम खलु यम दस दसमियम भिक्खु पड़िम एक नम राय दिय स एनम अदच्छ अदच्छटहीम भिक्खासाहीम महासुत्तम जाव आरे अरहिता बहुयम चौथ जाव मासद्दम आस विविहत्तको कौमहीम अप्पानम भवे मानी विहरही तैनम सा सुकन्ना अज्जा तैनम ओरालेनम जाव सिद्धा।
सत्तर सप्तमी का भिक्षु परिमा कर लेने के बाद सुकृष्णा नामक आर्य जी ने माँ सती चंदन बालाजी से अष्टम अष्टमी का भिक्षु परिमा करने की आज्ञा प्राप्त की और तदनुसार तपस्या करना शुरू कर दिया। प्रथम के अठवाड़े में यानी आठ दिनों में नित्य प्रति एक दांत पानी और एक दांत भोजन की अर्थात गृहस्थियों द्वारा दिए हुए एक बार के हार और पानी को ग्रहण कर उसी पर निर्वाह किया। इसी प्रकार दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें और आठवें अठवाड़े में नित्य प्रति क्रमश दो तीन चार पाँच छः सात और आठ बार गृहस्थियों द्वारा दिए गए आहार और पानी को ग्रहण कर उसी पर अपना जीवन धारण करती रही। यूँ संपूर्ण परिमा में कुल 64 दिन लगे और 288 दांत हुई अर्थात 288 बार आहार पानी लिया गया। इसी प्रकार नौ नवमी का भिक्षु परिमा की प्रथम नवमी का अर्थात प्रत्येक नौ नौ दिन में नित्य प्रति एक दांत पानी की और एक दांत भोजन की उन्होंने ली। ऐसे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं और नौवीं नवमिका में नित्य प्रति क्रमश दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ बार गृहस्थियों द्वारा बहराए गए आहार और पानी को ग्रहण कर उसी से अपना निर्वाह किया। इस नौ नवमिका भिक्षु परिमा में पूरे 81 दिन लगे और 405 बार का दिया हुआ आहार पानी ग्रहण किया गया। इस नौ नवमिका भिक्षु परिमा को संपन्न कर लेने के पश्चात उन्होंने 10 दशमी का भिक्षु परिमा अंगीकार की। प्रथम दशमी का अर्थात प्रथम के 10 दिनों में नित्य प्रति एक बार का दिया हुआ भोजन पानी ग्रहण किया। यूँ दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं दशमी दशमिका में नित्य प्रति क्रमश एक से लगाकर 10 बार गृहस्थियों द्वारा दिए गए आहार और पानी को ग्रहण कर उस पर अपना जीवन निर्वाह किया। इस तपस्या को पूर्ण करने में कुल सौ दिन लगे जिसमें भोजन और पानी की 550 दांत हुई। इस तपस्या को पूर्ण कर लेने के पश्चात उपास बेले तेले मासक शमन अर्धमास खमन की भी तपस्या की जिससे श्री कृष्ण आर्य जी का शरीर बड़ा ही क्रश हो गया किंतु फिर भी अंतिम समय में संतरा करके संपूर्ण कर्मों को नाश करते हुए वे मोक्ष धाम पहुंची। एवं महाकन्नवी नवरम कुंडागम सवम ओबदम परिमा ओस भजितानम वीयरहितानम झा चौथम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता छठम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता अठम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता दसम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता द्वालसम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता अठम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता दशमम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता द्वालसम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता चौथम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता छठम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता द्वालसम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता चौथम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता छठम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता अठम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता दशम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता छठम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता अठम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता दशम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता द्वालसम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता चौथम करी करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता दशम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता द्वालसम करी करेता सव कामगुण्यम सव कामगुण्यम पारिपारिकता चौथम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता छठम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता अठम करी करेता सव कामगुण्यम पारिपारिकता एवं खलु एवं खुडाग गसवो दस तव कमस परम परिवाड़ी तिथियम मास्यम दसयम दिवसय आसुप्तम जाव आरयता दोच्चाय परिवाड़ी चौथम करी करेता विगैवज्जम पारयता जहाँ रयना वलिये तहा यथवीत चतारी परिवाड़ियो तवा पारना तहव चौनम कालो संवत्सरो मासो दसय दिवसा शेषम तयव जाव सिद्धा। इसी तरह राजा श्रेणी की पत्नी और कौनिक की छोटी माता महाकृष्णा रानी ने भी भगवान महावीर का उपदेश श्रवण कर महासती चंदन बाला आर्य जी के पास दीक्षा धारण की। तत्पश्चात महासती चंदन बाला जी की आज्ञा प्राप्त कर लघु सर्वतोभद्र नामक तपस्या की आराधना की। वह इस प्रकार सर्वप्रथम उपास किया पारना करके तेला चोला पचोला तेला चोला पचोला उपास बेला तेला चोला पचोला और तेला किया। इस प्रकार लघु सर्वतोभद्र नामक तप की एक परिपाटी लड़ी श्री महाकृष्ण आर्य जी ने पूरी की जिसके करने में कुल 75 दिन की तपस्या और 25 दिन पारने के होते हैं। इस परिपाटी को समाप्त कर साथ ही साथ दूसरी परिपाटी भी इसी प्रकार की किंतु पारने में दूध दही घी तेल मिष्ठान खाना बिल्कुल बंद कर दिया। तीसरी परिपाटी में पारने के दिन सूखी रोटी खाना प्रारंभ किया अर्थात घी तेल के लेप मात्र वाली संपूर्ण वस्तुओं का खाना
ही बिल्कुल बंद कर दिया और चौथी परिपाटी में पारने के दिन अम्बिल किए। जिस प्रकार रत्नावली तपस्या की परिपाटी चार परिपाटी श्रृंखला होती है, उसी प्रकार इस तपस्या की चारों परिपाटियों को सूत्रानुसार आराधना करी, जिसमें पूरे 300 दिन तपश्चर्या के और 100 दिन पारने के होते हैं। माँ कृष्ण आर्य जी ने लघु सर्वतोभद्र तपस्या करने के पश्चात फिर भी अनेक छोटी बड़ी फुटकर तपस्या की अंतिम समय में संतारा ले हुए अपने सर्व कर्मों को नष्ट करते हुए उन्होंने सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा पाया। यो मीर कन्ना वी नवरम हाल ए सवत्वभद्रम तवे कम्मा व सब जित्तानम मेरे तम जा चौथम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता छठम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता अठम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता दसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता दुवाल समम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता चौदस करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता सोलसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता पड़मलाया दसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता दुवाल समम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता चौदसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता सोलसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता चौथम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता छठम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता अठमम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता वित्तियालया सोलसम करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता चौथम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता छठम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता अठमम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता दसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता द्वादशम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता चौदसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता तृतीयालया अठमम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता दसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता द्वादशम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता चौदसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता सोलसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता चौथम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता छठम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता चौथलिया चौदसम करी करिता सव काम गुण्यम पारी सोलसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता चौथम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता छठम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता अठम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता दशमम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता द्वादशम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता पंचमी लया छठम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता अठमम अठे करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता दशम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता द्वादशम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता चौदसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता सोलसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता चौथम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता छठी लिया द्वादशम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता चौदसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता सोलसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता चौथम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता छठम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता अठम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता दसम करी करिता सव काम गुण्यम पारिपारिता सप्तमी लया एकाए कालो अठ मासा पंच दिवसा चौनम दोवास अठ मासा विषम दिवसा सेषम तहेव जाव सिद्धा। जम्बू अंतगढ़ सूत्र के सातवें अध्ययन में वीर कृष्णा जो कि सैनिक राजा की पत्नी और कौनिक राजा की छोटी माता कही गई है, जो उन्होंने भगवान का उपदेश पाकर महासती चंदन बालाजी आर्य जी के पास दीक्षा धारण करी, जिनका वर्णन वीर कृष्ण आर्य जी ने दीक्षा लेने के अनंतर अपनी अपनी जननी समान श्रीमती गुरानंद जी को आज्ञा लेकर महासर्वतोभद्र नामक तपस्या करना प्रारंभ किया। सबसे पहले उपास किया, पारना करके बेला, पारना करके तेला, चोला पचोला छः सात आठ सात चोला पचोला छः सात उपास बेला तेला सात उपास बेला तेला चोला पचोला छः तेला चोला पचोला छः सात उपास बेला छः सात उपास बेला तेला चोला पचोला बेला तेला चोला पचोला छः सात उपास पचोला छः सात उपास बेला तेला और चोला किया। इस प्रकार इस तप की यह परिपाटी हुई। इसे करके साथ ही साथ दूसरी परिपाटी भी शुरू कर दी, परंतु इस बार पाने में दूध दही घी आदि विगय खाना बंद कर दिया। इसी तरह तीसरी परिपाटी भी की, किंतु इस तपस्या के पाने के दिन घी मिष्ठान आदि विगय से लेपित मात्र वस्तुओं का तप का परित्याग कर दिया, केवल लुखा सूखा भोजन किया। चौथी परिपाटी की तपस्या के पारने के दिन तो लुखे भोजन को भी पानी में भिगो कर खा लेने का नियम ले लिया। इस तप की एक परिपाटी करने में तपस्या के दिन 196 लगते हैं और पारने में के 49 दिन होते हैं। यह कुल 245 दिन में इसमें एक बार लगते हैं।
एक बार लगते हैं। चारों ही परिपाटी करने में कुल 2 वर्ष 8 मास और 20 दिन पूरे लगते हैं। उन वीर कृष्ण आर्य जी ने इस महासर्वतोभद्र नामक तपस्या को करने के पश्चात फिर भी तपस्याएं बोध की अंतिम तपस्या में संतारा करके वे मुक्ति में पहुंच गई। एवं रामकन्ना भी नवरम वदोत्तर पड़िमा वसपचिताना वीरे तम जादुवाल सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 14 सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 16 सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 18 सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 20 सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 16 सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 18 सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 20 विषयम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 12 सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 14 सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 20 सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 12 सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 14 सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 16 सम करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 18 सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 14 सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 16 सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 18 सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 20 सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 12 सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 18 सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 20 सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 12 सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 16 सम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 16 सम करेम करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता एकाए कालो छमासा विषय दिवसा चौनम कालो कालो दो वरिषा सो दो मासा विषय दिवसा शेषम तयव जहा काली जाव सिद्धा। इस प्रकार राजा सैनिक की रानी और कोनिक की छोटी माता राम कृष्णा देवी भी भगवान महावीर का उपदेश श्रवण कर श्री चंदन बाला के द्वारा दीक्षित हुई। नव दीक्षित श्री राम कृष्ण आर्य जी ने अपनी पूज्य गुरुनी जी की आज्ञा प्राप्त कर भद्रोत्तर नामक तपस्या को किया प्रारंभ कर दिया। सबसे प्रथम पचोला किया, पारना करके 6 किए, पारना करके 7 किया, यू 8 9 7 8 9 5 6 9 5 6 7 8 6 7 8 9 5 8 9 5 6 7 7 किए और इस प्रकार एक परिपाटी पूरी हुई। यू 4 पूरी परिपाटियां उन्होंने की। दूसरी परिपाटी के पारने के दिनों में समस्त विगय वस्तुओं का सेवन बिल्कुल ही छोड़ दिया था। तीसरी परिपाटी में विगय के लेपित मात्र वस्तुओं का त्याग कर दिया और चौथी परिपाटी के दिन पारनों में अम्बिल किए। एक बार की परिपाटी श्रृंखला में कुल 175 दिन तपस्या और केवल 25 दिन पारने के होते हैं। यो चारों में कुल 2 वर्ष 2 मास और 20 दिन होते हैं। रामकृष्ण आर्य जी के द्वारा इस भद्रोत्तर नामक तप को करने के पश्चात और भी काफ़ी मात्रा में तपस्याएं करी। अंतिम दिनों में संतारा करके वे भी मुक्ति में पहुंच गई। एवं पियो सेन कन्ना भी नवरम उत्तावली तव कम व सब जिताना वीरितम जा चौथम करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 6 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 14 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 8 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 14 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 10 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 14 काम सव काम गुण्यम पारिपारिता 12 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 14 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 14 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 14 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 16 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 14 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 18 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 14 करे सव काम गुण्यम पारिपारिता 20 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 14 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 22 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 14 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 24 करे सव काम गुण्यम पारिपारिता 14 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 26 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 14 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 28 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 14 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 30 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 14 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 32 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 14 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 34 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 14 करे करेता सव काम गुण्यम पारिपारिता 32 करे करेता
एवं तहो ओसार एव जाव चौथम करे करे चौथम करेता सव काम गुण्यम पारे एका एकालो एकर समासा पन्नरसय दिवसा चौनम तिन्नी वारिसा दशय मासा शेषम तहव जाव सिद्धा। इसी प्रकार राजा सैनिक की रानी और कौनिक की छोटी माता पितृसेन कृष्णा देवी ने भगवान का उपदेश श्रवण कर माँ सती श्री चंदन बालाजी आर्य जी के पास शरण में जाकर दीक्षा धारण करी और पितृसेन कृष्णा आर्य जी ने अपनी गुरानी जी की आज्ञा को प्राप्त कर मुक्तावली नामक तपस्या करी। सर्वप्रथम उपास किया, पारना किया, बेला किया, पारना किया, पारना करके उपास किया, पारना करके तेला किया। यो एक एक उपास बीच में करती हुई उनकी संख्या को 16 तक उन्होंने पहुँचाया। फिर उसी प्रकार बीच बीच में उपवास करती हुई जिस प्रकार चढ़ी थी उसी प्रकार एक उपवास तक में उतरी। इसी प्रकार एक परिपाटी हुई, यूँ काली आर्य जी की तरह चारों परिपाटियाँ लड़ियाँ उन्होंने संपूर्ण करी। इसकी एक परिपाटी में पूरे पूरे 59 दिन पारना के और अवशेष तपस्या दिन यूँ कुल मिलाकर 11 महीने और 15 दिन होते हैं। चारों ही परिपाटियों के करने में कुल 3 वर्ष और 10 महीने होते हैं। इस मुक्तावली तपस्या इस प्रकार है। एवं मासेन कन्ना वी नवरम आया विल वड्डमानम तवकम ओसपजितानम वी रई तंजा आयंबिलम करी करेता चौथम करी करेता आयंबिलयम करी करेता चौथम करी करेता तिन्नी आयंबिलयम करी करेता चौथम करी करेता चतारी आयंबिलयम करी करेता चौथम करी करेता पंचा आयंबिलयम करी करेता चौथम करी करेता छ आयंबिलयम करी करेता चौथम करी करेता एकोतरी आये उड्डी आयंबिलयम वट्टती चौथ रियायम जाव आयंबिल सयम करी करेता चौथम करे। इसी तरह राजा सैनिक की रानी कौनिक की छोटी माता महासेन कृष्णा नामक देवी ने भी यथा समय श्री भगवान महावीर का उपदेश सुना। सुनकर माँ सती चंदन बालाजी आर्य जी के पास दीक्षा अंगीकार की। उन्होंने अपनी पूजनीय गुरानी जी की आज्ञा लेकर आयंबिल वर्धमान नामक तपस्या की। उसमें सर्वप्रथम एक आयंबिल किया, दूसरे दिन उपवास किया, फिर 2 आयंबिल किए उपवास किए, 3 आयंबिल किए उपवास किया, 4 आयंबिल किए उपवास किया, 5 आयंबिल किए उपवास किया, 6 आयंबिल किए उपवास किया। यूँ बीच बीच में उपास करते हुए पूरे पूरे 100 आयंबिल किए और उपास किया। तैनम साक महासेन कन्ना अज्जा आयंबिल वड्डमानम तव कम्मन चौदसयम वासेम तीम य मासेम विसही य अहोरतेम आसुतम जाव सम्मम कायनम फासे जाव आरयता जेने वाज चंदना अज्जा तेने उवा गच्छे उवा गच्छेता अज्ज चंदनम अज्ज वंदे नमसे नमसेता बहुयम चौथम जाओ भावमाने वीरे तैनम स महासेन कन्ना अज्जा तेनम ओरालेनम जाओ ओ स्वभिमानी उचिठई। उन महासेन कृष्णा आर्य जी ने आयंबिल वर्धमान तपस्या करने में पूरे पूरे 14 वर्ष 3 मास और 20 दिन लगा दिए। जिस प्रकार का सूत्रों में विधि विधान इस तपस्या के लिए बतलाया गया है उसी प्रकार उन आर्य जी ने सम्यक प्रकार से इसकी आराधना करी। श्री चंदन बालाजी के पास भी आई और उन्हें वंदन नमस्कार किया, फिर से छुटकर तपस्या में जुड़ गई। ऐसी तपस्या करने से इन महासेन कृष्ण आर्य जी का शरीर रुधिर और मांस से प्राय रहित अर्थात दुर्बल हो गया था, पर तपस्या के प्रभाव से शरीर इनका तेजोमय और अनुपम कांतिशाली बन गया था। तैनम तिसे महासेन कन्नाय अज्जाय अन्नया कयायम पोरतवरत काले चिंता जहाँ खंदय सज्जाव अज्जचंदनम अज्जम आपुचय जाव सलेना कालम पर अनवंखमानी वीहरे तैनम स महासेन कन्ना अज्ज अज्ज चंदनाय अज्जय अंत्ये समयमय कर संगय अज्जयता बहुपरिपुन्नाय सतरसवासयम परियायम पालयता मासियाय सलेनाय अप्पानाम जुसेता भट्टयम भत्तायम अनसनाय छदेता जसठाय किरई जाव तमठम आरोहे चरिमऊ स सनि ससाईम सिद्धा बुद्धा गाथा अठया वासा आदि एकोत्तरियाय जाव सतरस ऐसो खलु परितावो सेनीय भज्जानम नायो। तत्पश्चात उन महासेन कृष्ण आर्य जी को एक दिन पहली रात्रि में खंदक की तरह विचार उत्पन्न हुआ कि जो भी मेरा शरीर है इस तपस्या से ऐसा क्रुश हो गया है तथापि कुछ और शक्ति मुझ में है। अतः कल सूर्योदय होते ही महासती चंदन बालाजी से पूछकर मुझे संतारा कर लेना चाहिए। तदनुसार प्रातःकाल होते ही उन्होंने अपनी धर्म जननी गुरानी जी की आज्ञा प्राप्त कर संतारा ले लिया अर्थात यश के लिए मैं अधिक जीव
या दुख के कारण मैं शीघ्र ही मरूं, इन संपूर्ण प्रकार के संकल्प विकल्पों से रहित होकर समाधि मार्ग में प्रसन्न चित्त में रहने लगी। इन महाशय कृष्ण आर्य जी ने श्री चंदन बालाजी से सामायिक से लगाकर 11 अंगों तक का सर्वांग ज्ञानाध्ययन कर लिया था। लगातार 17 वर्षों तक चरित्र का पालन किया। अंतिम समय में पूरे एक मास का संतरा कर अंतिम श्वासोश्वास में अपने संपूर्ण घनघाती कर्मों को नष्ट किया। तत्पश्चात वे मुक्ति में पहुंची। काली आर्य जी ने 8 वर्ष चारित्र पाला। दूसरी सुकाली ने 9 वर्ष। यूं क्रमश एक एक वर्ष हुई महासेन कृष्णा ने पूरे 17 वर्षों तक चारित्र का पालन किया। ये 10 ही राजा सैनिक की रानियां थी और कौनिक की छोटी माताएं थी। यम खलु जम्बू समनेनम भगवया महावीरनम आई गरन जाओ संपत्तेनम अठमस अठमस अंगस अंतगण रसानम अय मठे पनते दिभ्य मे अंतगण रसानम अंगस एगो सुयखंदो अठवग अठसु चेव दिवसेसु उद्देश्य जंदी तत्थ पणमाम वित्तीय वग्गे दस दस उद्देश्यगा तय्य वग्गे तेरस उद्देश्यगा चौथम पंचम वग्गे दस 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 उद्देश्या छठ वग्गे सोलस उद्देश्यगा सत्तव मग्गे तेरस उद्देश्यगा अठम वग्गे दस उद्देश्यगा सेसम जानाय दम्म कहानम। हे जम्बू, धर्म के प्रकट करने वाले श्रमण भगवान महावीर जो मोक्ष में पधार गए हैं, उन्होंने 8वें अंग अंतगण सूत्र का यह भाव फरमाया है, उसे मैंने जो का त्यों तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। इस अंतगण में एक श्रुति स्कंद और 8 वर्ग है, और जिन्हें केवल 8 ही दिनों में भगवान ने फरमाया है। इसके प्रथम में 10 और दूसरे वर्ग में 8 अध्ययन है, तीसरे वर्ग में 13 और चौथे पांचवें वर्गों में फिर 10 अध्ययन है, छठे वर्ग में 16 अध्ययन है, सातवें वर्ग में 13 और आठवें वर्ग में 10 अध्ययन है। इस प्रकार आपके सामने जो आप प्रतिदिन अंतगण सूत्र का वाचन सुन रहे थे, बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ सुन रहे थे, तो आज आपके सामने अंतगण शास्त्र का वाचन क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। आग में तिवे पनते तन जा सुत्तागम में अथागम में तदुभयागम में, इस तरह तीन प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगाओ तालम जम वैद्यम वच्चा मेलम हिनक खरम अचखरम पय हिनम विनय हिनम जोगेनम घोषेनम सुट्टुदेनम दुट्टुपणिचनम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाय सज्जाय भंता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय आशतना की हो तथा सुमिच्छामि दुखम। बोलिए भगवान महावीर से। सर्वप्रथम भगवान महावीर के चरणों में वंदन नमस्कार करते हुए महान उपकारिणी परम पूज्या गुरुवर्या के चरणों में, जिन्होंने मुझे संसार सागर से पार कराकर मोक्ष का भव्य मार्ग प्रदर्शित करवाया है, उन गुरुदेव एवं गुरुवर्या के चरणों में मेरा त्रिकाल वंदन हो। इस सुधर्मा सभा में आने वाले सभी भाई बहनों का हृदय से मैं अभिनंदन करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। पर्वादिराज पर्युषण के साधना के दिन चल रहे हैं और आज पर्युषण पर्व का 7 दिन व्यतीत होने के बाद जो 8वां दिन आता है, जिसे हम समसरी महापर्व के नाम से पहचाने जाते हैं। समसरी महापर्व हमें संदेश देता है कि पहले अपने जीवन की शुद्धि करिए। अंतगण सूत्र के अंदर आपने सुना है 90 महापुरुषों का वर्णन आया है। सबसे पहले उन्होंने, हम सुनते हैं कि सिद्धि प्राप्त की, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के लिए शुद्धि प्राप्त करना जरूरी है। जिसकी शुद्धि हो गई है वह सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो हम अपने जीवन के अंदर पर्वादिराज पर्युषण के दिनों के अंदर अभी तक हमने क्या किया, क्या लिया, कितना कमाया, कितना गमाया, वह आज हमारा टोटल मिलाने का, एक वर्ष से लगातार हमने आज तक क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, उसका चिंतन करने का बहुत ही सुंदर अवसर हमारे पास आया है। हम देखते हैं जिन्होंने पहले एक वर्ष पहले जो समसरी पर्व मनाया, उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा
कि दूसरा साल हमारा संवत्सरी पर्व आएगा या नहीं आएगा। वो हमारे सामने बहुत बड़ी कोरोना की समस्या आकर खड़ी है। ये आज का दिन है, वो हमारा दिन है, और आचार्यों ने भी इन 8 दिनों को विशेष महत्व बताया है। और वह महत्व बताया है कि क्षमा मांगना और क्षमा देना। जो क्षमा मांगता है और दूसरों को क्षमा देता है वो श्रेष्ठ महापुरुषों की गिनती में आता है। और हर व्यक्ति क्षमा नहीं दे सकता है, ना ही हर व्यक्ति क्षमा मांगता है। क्षमा क्यों नहीं मांगता है आज का व्यक्ति, कि उसके अंदर अहंकार की भावना पल्लवित पुष्पित हो रही है। और जब तक हमारे जीवन से अहंकार नहीं निकलेगा तो हम क्षमा के लायक नहीं हो सकते हैं। किसी ने बताया है, एक बार भृगु ऋषि जी ने कृष्ण महाराज की परीक्षा लेने के लिए क्या किया था, उन्होंने उनके छाती पर एक जोर से लात मारी। किसी ने बताया है, भृगु ऋषि सोच रहे हैं कि कृष्ण महाराज को गुस्सा आएगा, नाराज होंगे, चिड़चिड़ापन होगा, लेकिन क्या बताया है, क्षमा बड़न को होते हैं ओछन को उत्पात, क्षमा बड़न को होते हैं ओछन को उत्पात, कहां कृष्ण को घट गयो जो भृगु जी मारी लात। धन्य है, धन्य है कृष्ण महाराज। उन पुनः भृगु ऋषि जी से क्या कहते हैं, हे भृगु ऋषिवर, मेरे को मारने के अंदर आपके चरण को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची है, कोई दर्द दुख तो नहीं हुआ है, कितनी क्षमा है। सचमुच ऐसी क्षमा हमारे जीवन में आना बहुत अत्यंत आवश्यक है। अगर हम एक कटु वचन किसी का सुन लेते हैं या कोई हमें एक शब्द कह देता है तो हम उसको 100 जवाब नहीं देते हैं जब तक चैन नहीं आता है। पता नहीं व्यक्ति की भावना कितनी कलुषित होती जा रही है। जैसे व्यक्ति व्यापारी व्यापार करता है, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मैं कितना कुछ लाभ प्राप्त करूं। एक विद्यार्थी पढ़ने जाता है, उसका लक्ष्य रहता है कि मैं अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हूं। और एक रोगी दवा लेता है तो उसका लक्ष्य भी होता है कि मैं जल्दी से निरोगी हो जाऊं। और जो व्यक्ति भोजन करता है तो वह भी यही सोचता है कि इस भोजन से मुझे तृप्त हो और मेरे अंदर एक शक्ति आवे, शारीरिक शक्ति। लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि ये 8 दिन की साधना का जो लक्ष्य आत्मा से परमात्मा बनने का और परमात्मा से महात्मा बनने का, इतना सुंदर अवसर हमारे पास आया है। जब हम इतिहास के प्रश्न उठा कर देखते हैं, धन्य है हमारा शासन, धन्य है जिन शासन, धन्य है वो महापुरुषों का जीवन। एक बार गौतम स्वामी गोचरी लेकर आए और भगवान महावीर के सामने अपनी आलोचना की, तब भगवान ने कहा, हे गौतम, तुमने आनंद श्रावक को कटु शब्द कहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, तुरंत जा उससे क्षमा मांगो। गौतम स्वामी धन्य है 14 पूर्व के धारी, हमारे पास कितना ज्ञान है, 5-10 पोथी पुराण पढ़ लेते हैं और हम अपने आप को विद्वान, अपने आप को पंडित समझने लगते हैं। नहीं, बहुत बड़ी गलती करते हम लोग। देखिए गौतम स्वामी के अंदर कितनी क्षमता है, गुरु का आदेश प्राप्त करते, उन्होंने गोचरी भी ग्रहण नहीं किया और आहार पानी भी नहीं लिया, तुरंत वहां से चल पड़े और जहां आनंद श्रावक का स्थान था वहां जाकर उन्होंने क्षमा मांगी। हे आनंद श्रावक, मेरे से भूल हो गई, मुझे ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए था। तुरंत उन्होंने क्षमा मांगी। आनंद श्रावक कहने लगे, धन्य है महापुरुष, मेरे दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं है। धन्य ऐसे 14 पूर्वधारी मुनि भी इतने क्षमा के सागर थे, क्षमा की मूर्ति थी, उन्होंने क्षमा की। देखिए गौतम स्वामी कितने महापुरुष हुए, कितने प्रमुख थे वो। भगवान महावीर के जो 14,000 संत थे, उन 14,000 संतों में महान थे, प्रमुख थे, बड़े थे, फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे इतना ज्ञान है, मैं इतना बड़ा संत हूँ, सबका संचालन करता हूँ, मैं उससे क्यों क्षमा मांगूँ, मैं संत हूँ और वह श्रावक है। लेकिन ज्ञानी भगवंत ने फरमाया है कि चाहे
श्रावक हो, श्राविका हो, साधु हो या साध्वी हो, जैन हो या अजैन हो, किसी को भी कटु शब्द बोल दिया है तो उसे तुरंत क्षमा मांगो। तो जब तक क्षमा नहीं मांगते हैं तब तक आपको पानी पीने का भी अधिकार नहीं है। और धन्य है वह चंदन वाला जो 36,000 साध्वियों की प्रमुख साध्वी है, सबसे बड़ी साध्वी है। आजकल वर्तमान में 5-7 शिष्याएं क्या हो जाती है, अहम की भावना पनपने लग जाती है, लेकिन धन्य है वह साध्वी जिसने अपनी शिष्या मृगावती से क्षमा मांगी। हे मृगावती, मैंने चिंतन नहीं किया और तुम्हें कुछ कटु शब्द कह दिया, तुरंत अपनी साध्वी से क्षमा मांग रही है। हम जब इतिहास उठाकर देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे हृदय में क्या है, कुछ भी नहीं, हमें कुछ ज्ञान है नहीं है। अपने जीवन में चिंतन करो। आज हमें पूर्वाधिराज पर्युषण संदेश देता है कि आज हमें एक छोटा से छोटा नियम अवश्य लेना है। समस्तरी का महापर्व है और यह मत सोचना कि आज नियम ले लिया है तो समस्तरी के दिन आपको अगर कोई कटु शब्द कह दे तो आप ये विचार मत करना, आज तो जावा दे पर कल मैं थाने देख लूंगा। तो समझ लेना आपकी साधना बेकार गई। एक व्यक्ति भोजन का त्याग कर करने वाला वो सोचता है मोक्ष में जाएगा, परंतु जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन जो क्रोध का त्याग करने वाला है वो अवश्य कहाँ जा सकता है, मोक्ष में जा सकता है। धन्य है प्रभु महावीर जिसके शासन में वर्तमान में आप और हम जग रहे हैं, जी रहे हैं, जिन शासन की प्रभावना है। जो भगवान महावीर स्वामी को आपने देखा है, संगम देव ने लगातार 6 महीने तक तकलीफ दी, 6 महीने तक उपसर्ग दिए और एक रात के अंदर 20 उपसर्ग सहन किए गुरु भगवंत ने। आज हम ध्यान में बैठे हो और एक मच्छर आकर बैठ जाए या तो हमारा मन हिल जाता है, शिकाया हिल जाती है, लेकिन उसे भी भगवान ने क्या दिया, क्षमा का दान दिया। जो क्षमा देता है और जो क्षमा मांगता है वही आज के दिन हमारे यहाँ पर क्या बताया है, महान बताया है। और आज क्षमा मांगना है, किससे मांगोगे, हम देखते हैं। क्षमा मांगने के लिए हमें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। हम लाखों करोड़ों का दान पुण्य करते हैं लेकिन क्षमा मांगते के समय ऐसा लगता है कि हमारे अहंकार को ठेस पहुंची है। क्यों ऐसे विचार आते हैं, अगर दिमाग में ऐसे विचार हो, चाहे कोई भी परंपरा का हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, यहाँ पर जात का कोई ने भेदभाव नहीं है। अरे ईसा मसीह ने जब सूली पर चढ़ाया गया तो भी उसने भी एक ही शब्द जाते जाते कहा था कि हे भगवान, जिसने मुझे खिले डाले हैं, मुझे सूली पर लगाया है, उस व्यक्ति को क्षमा कर देना। और धन्य है हमारे भगवान महावीर स्वामी जिसने लगातार इतने संकट दिए, इतने परिश्रम दिए, लेकिन चंद कोसी जैसे ने डंक लगाया और हम भगवान क्या कहते हैं, हे भगवान, इस क्रोधी व्यक्ति को भी उन्होंने कहाँ पहुँचाया, देवलोक की यात्रा कराई। अगर हमारे पास में कोई आ जाए और हमें हमसे कोई थोड़ा सा मन मुटाव हो जाए तो हम उसके साथ एक वैर की, एक दुश्मनी की गांठ बांध लेते हैं। धिक्कार है हमारा जीवन और धिक्कार है हमारी साधना और धिक्कार है हमारी तपस्या। अपने जीवन में ज्ञानी भगवान फरमा रहे हैं कि आज हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जब से पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आते हैं तब से हम देखते हैं, नहीं तो हर बच्चा, हर युवक, हर परिवार, कोई भी त्योहार आता है तो खाने की जिद करता है। नई नई वैरायटी चाहिए, नए नए वस्त्र चाहिए, नई नई ड्रेस चाहिए, बाहर घूमने फिरने एंजॉय करने का शौक होता है। लेकिन जब पर्वाधिराज पर्युषण आते हैं हम कई बार चिंतन करते हैं, चतुर्मास के अंदर 4-4 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे तेला बेला उपवास करते हैं, बड़े करते हैं वो तो बात अलग है, लेकिन आप सोचते होंगे कि आज के दिन क्यों ऐसी भावना जगती है उन बच्चों के अंदर। ज्योतिष शास्त्र वालों ने बताया है, क्या बताया है, कि जब जो सूर्य है, सभी ग्रहों के अंदर जो श्रेष्ठ ग्रह है जो सूर्य है, वो सूर्य आज स्वयं अपने घर में आकर बैठा है, अपने सिंह राशि में बैठता है।
और चंद्र कहाँ बैठता है? कर्क राशि में, खुद के घर में बैठता है। जो सभी ग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ है, और आपको पता है घर के अंदर गुजरग आदमी बैठते हैं तो छोटे मोटे क्या करते हैं जी, शांति से बैठते हैं। तो वैसे ही सूर्य जब ग्रह घर में आया है तो जो वो सभी ग्रहों का गुजरग है, और उस गुजर के की उस सूर्य की महत्ता बताई है। सूर्य क्या करता है? प्रभावित करता है, उत्साहित करता है, आत्म जागृत की प्रेरणा देता है। और चंद्र स्थिर करता है कि मुझे ये संकल्प करना है, ये त्याग करना है, तो ये पचकान लेना है। सचमुच ज्ञानी भगवंतों ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि आज हमें क्या करना है, क्षमा मांगना है, और क्षमा क्या करना है, देना है। तो क्षमा के लिए हमें क्रोध का विसर्जन करना पड़ेगा। किस का विसर्जन करेंगे? आज समस्तरी महापर्व हमें संदेश देता है कि हम क्रोध का विसर्जन करें। जैसे कुछ समय के बाद बहुत से लोग गणपति का विसर्जन करते हैं, लेकिन ज्ञानी भगवंत ने बताया, अरे गणपति जिसको आप भगवान मानते हैं उसका विसर्जन तो बाद में करिए, सबसे पहले हमारे अंदर में रहा हुआ जो शत्रु क्रोध है, जो हमारे भव भव का नुकसान करने वाला है, भव भ्रमण बढ़ाने वाला है, उसको हमें क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए। लेकिन हमारा क्रोध कितने दिन तक रहता है? 2 दिन 4 दिन 15 दिन, महीना भर, 1 वर्ष तक। बहुत से व्यक्ति के अंदर तो ऐसा भी क्रोध है कि आ जाता है और तुरंत चला जाता है, उसके दिल दिमाग में किसी के प्रति वैर की, दुश्मनी की भावना नहीं रहती है। लेकिन कोई कोई ऐसे व्यक्ति भी है जो अंतिम सांसें ले रहा है, अंतिम शैया पर पड़ा हुआ है, और अपने परिवार से कहता है, अरे वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा वैरी है, उसको मेरे जाने के बाद मेरे अर्थी को कंधे में कंधा भी लगाने के लिए उसको मत आने देना। अरे आप कंधे की बात कर रहे हैं, वर्तमान में देख रहे हैं जो पॉजिटिव कोरोना के अंदर पेशेंट जा रहा है, उसको तो परिवार वाले भी हाथ नहीं लगा सकते हैं, ऐसी स्थिति आई है। ये वाणी हमारे श्रवण भगवान महावीर सामने स्वामी ने 2600 वर्ष पूर्व बताया था कि पंचम काल के अंदर ऐसा वातावरण बनने वाला है। और भगवान की वाणी सच्चम सच्चम सच्चम, अरे भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं होती है। हमें आज क्या करना है? क्रोध को त्यागना है। कैसा तो क्रोध आता है जो 6-6 महीने 12-12 महीने तक जिंदगी भर तक चलाता है, तो समझ लेना ऐसा व्यक्ति अपने नरक जाने का द्वार खोल रहा है। अगर हमें क्षमा करना है, तो हमें मोक्ष में जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमारे जीवन की शुद्धि करनी पड़ेगी, शुद्धि करनी पड़ेगी। तो जब हमारा जीवन शुद्धिकरण हो जाएगा तो सिद्धि अनायासी प्राप्त हो जाएगा। एक परिवार के अंदर एक सास बहु रहते थे, और सास बहु के अंदर आपस में काफी क्या था, झगड़ा था। बहुत क्षमावान थी, बहुत सरल थी, वह एक ही भावना रखती थी कि मुझे क्या करना है, समकित की यात्रा करना है। लेकिन मेरी सासू माँ पुराने जमाने की है, और पुराने लोगों को आदत होती है टोकने और रोकने और बोलने की, इनको कैसे मैं मार्ग पर लाऊं? दिन भर कुछ न कुछ बोलते रहना। व्याख्यान में गए, सामाई कमाई की, 2-4 सखी सहेलियों से मिला, सत्संग किया, और घर पे आए, वही का वही वातावरण। जब साधु भगवान बोलते हैं, जब तो बस सिर हिला हिला कर ऐसे हंसते रहते कि सचमुच इनका जीवन परिवर्तन हो गया है। लेकिन गेट के बाहर जाकर इनसे मिलो तो उनका जीवन जहाँ की तहाँ नजर आता है, जैसे कि एक घानी का बैल घूम घुमा कर सुबह से शाम तक घूमता है, लेकिन शाम को जब उसकी आंखों की पट्टी खोलते हैं तो बैल देखता है कि मैं पट्टी के पहले सोचता है मैं तो 1000 किलोमीटर दूर चला गया, लेकिन जैसे आंखों की पट्टी खुलती है वो बेल वहां जहां की तहां नजर आता है। तो कहीं हमारा जीवन उस बेल के समान तो नहीं है? क्या हमारा जीवन उस चंडकोशी की तरह तो नहीं है? आज हमें चिंतन करना है। उस बहू ने सोचा मेरी सासू माँ को समकीत की यात्रा करना है, उसकी शुद्धि करके सिद्धि की तरफ ले जाना है। कैसे ले जाओ? तो उसने एक उपाय सोचा। आप तो क्या सोचेंगे, झगड़ा करेंगे, उसको अलग निकाल देंगे,
या खाने पीने में भेदभाव करेंगे, लेन देन में भेदभाव करेंगे, उसकी देख रेख नहीं करेंगे। लेकिन वह बहू बहुत समझदार थी, उसने उपाय सोचा और सासू माँ का बर्थडे आया तो उसने एक बर्थडे का प्रोग्राम रखा और बर्थडे का कार्यक्रम रख के बहू ने सोचा मैं इसे कुछ तो भी गिफ्ट दूँ। उसने बहुत सुंदर एक गिफ्ट तैयार किया और गिफ्ट को भी इतना अच्छा पैकिंग किया और पैकिंग करके वो गिफ्ट जैसा ही प्रोग्राम प्रारंभ हुआ और बहू रानी जी ने उनके चरण छुए और चरण छू के वो गिफ्ट उन्हें भेंट किया। और जैसे ही सासू माँ ने देखा, भैया बहू जी देखो मैं बहू से इतना झगड़ा करती हूँ, इतनी रूठती हूँ, इतना बोलती हूँ, फिर भी ये मुझे क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा सुंदर अच्छा सा गिफ्ट दिया है तो क्यों न मैं इसे खोलूँ तो सही। पता है आपको कोई भी गिफ्ट देता है तो आपको भी खोलने की क्या रहती है, उतावली रहती है। तो उन्होंने क्या किया, तो गिफ्ट खोला तो उन्होंने देखा बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, क्या गिफ्ट हो सकता है आपके दिमाग से। आपका ध्यान सोने में होगा इसलिए आप सोचते होंगे सोना दिया होगा, चेन दी होंगी, अंगूठी देंगी होंगी, अनेक चीजें सोच रहे होंगे। लेकिन उस बहू ने एक सुंदर बहुत अच्छा एप्पल का एक फोन दिया और फोन देने के बाद सासू माँ देखने लगी इतना बड़ा 30,000-40,000 का गिफ्ट मुझे बहू ने किया है। तो हो बहू पर सास क्या हो गई, प्रसन्न हो गई और सासू माँ से कहती है देखो आप ये। फिर उसको कार्यक्रम हुआ और सासू माँ को बताया कि इस मोबाइल के अंदर आप ये दबाओगे तो आपका फोटो आएगा और ये दबाओगे तो आपके जिसका फोटो लेना वो आएगा, आप इसके साथ जुड़े रहेंगे। उस दिन के बाद सासू माँ उस मोबाइल को लेकर बैठ गई है तो दिन भर उसी क्रिया में लग गई। तो बहू सोचती है कि मेरा गिफ्ट देना सार्थक हो गया और सासू माँ का गुस्सा भी क्या हो गया है, शांत हो गया है। तो हमें गुस्से को क्या करना है जी, बढ़ाना है या घटाना है। अगर हृदय को साफ रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी कवि ने बताया है कि हम क्या करेंगे कि देखते हैं समाज हो, पर परिवार हो, या घर हो, या देश हो, या राष्ट्र हो, हर जगह दो पार्टी होती है। तो और एक पार्टी चेयर पर बैठी तो उसकी वाहवाही, वो उतरी तो वो दूसरी बुराई करने लग जाते हैं। इन्हें छिद्रान वैसी बन गए, क्या देखते हैं हम लोग, छिद्र देखते हैं कि इसके अंदर कोई कमी है तो उसको तुरंत पकड़े और उपालंब दे। लेकिन किसी ने बताया है छिलके कहाँ तक उतारोगे यह प्याज है, छिलके कहाँ तक उतारोगे यह प्याज है, और घूंघट कहाँ तक संवारोगे यह लाज है। समझा जाए तो उलझना व्यर्थ है, समझा जाए तो उलझना व्यर्थ है, दोष कहाँ तक निकालोगे यह समाज है, यह समाज है। हमें क्या करना है, किसी के दोष नहीं देखना, हमें किसी के दुर्गुण नहीं देखना है। हो सके तो हम ये सोचें कि भाई जिस व्यक्ति के अंदर कोई अच्छे गुण हो उसको चुन ले और बाकी के हमें क्या करना है, वही छोड़ना है, तभी हमारा जीवन क्या बन सकता है, महान बन सकता है। हम देखते हैं कोई भी कार्यक्रम करते हैं, चाहे मकान दुकान घर का या शादी विवाह या बर्थडे, कुछ भी कार्यक्रम मंगल कार्य करते हैं तो उस पंडित जी के पास जाकर सभी मुहूर्त निकालते हैं, पंडित जी मुझे अच्छा मुहूर्त दो, अमृत सिद्धि योग का जो मुहूर्त आए वो मुहूर्त देना, पंडित जी भी अच्छा मुहूर्त देते हैं। लेकिन ज्ञानी भगवंत तो नहीं बताया है, अगर अमृत सिद्धि योग के अंदर अगर आपने गुस्सा कर लिया, क्रोध आ गया है, किसी के प्रति क्रशाए आ गई, किसी के प्रति राग देश आ गया, तो समझ लेना जो अमृत सिद्धि योग में कार्य किया हुआ काल सर्प योग बन जाता है। और जो काल सर्प योग के अंदर व्यक्ति क्रोध क्षमा कर लेता है तो उसके लिए क्या सार्थक होता है जी, उसके लिए वह अमृत सिद्धि योग बनता है। हमें चिंतन करना, क्या चिंतन करोगे आप, क्या करना है, अरे आज प्रतिक्रमण करेंगे और प्रतिक्रमण करने के पश्चात सबसे पहले अगर हम क्षमा मांगेंगे तो किससे क्षमा मांगेंगे, किससे क्षमा मांगेंगे हम, अरे जिससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आज का दिन ऐसा संदेश देता है कि जो दुश्मन है उसको दोस्त बनाओ, अरे जो दोस्त बने हुए उनको क्या दोस्त बनाते हैं। आज की विशेषता तो वही रहेगी, जैसे ही आप प्रतिक्रमण करेंगे, आलोचना करना है एक साल की, जिसने अपनी जिंदगी में आलोचना नहीं की और बीच में ही चला गया तो समझ लेना क्या हो जाएगा, वह अच्छी गति में नहीं जा सकता है। तो हमें क्या करना है, आज
क्षमा करना है। और सबसे पहले जो हमारा शत्रु है, हमारा दुश्मन है, उससे हम क्या मांगेंगे? आज का दिन हमें संदेश देता है कि हम उसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे या गाली देंगे या झूठ बोलेंगे या उसको छेड़ेंगे? नहीं नहीं, अगर आज का गुस्सा 6 महीने के बाद भी निकाला तो समझ लेना आपका समसरी पर्व मनाना बेकार है। किसी कवि ने बताया है, हम तुमको क्षमा देंगे, हम तुमको क्षमा देंगे, तुम हमको क्षमा देना, तुम हमको क्षमा देना। महापर्व समसरी है, सब मिल के क्षमा देना, हम तुमको क्षमा देंगे, तुम हमको क्षमा देना। आज क्षमा मांगने का बहुत ही सुंदर अच्छा अवसर, स्वर्णिम अवसर। ये अगर अवसर चुक गए तो पुनः आने वाला नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर वह शक्ति प्रदान करें, वह ताकत दे, वह बल दे, आत्मबल दे, मनोबल दे, ताकि हम दुश्मन को जिंदगी भर के लिए क्षमा दे दें और स्वयं क्षमा मांग ले। धन्य है राजा उदयन, राजा चंद्रपद्योत से जो उनका कैदी था, सबसे पहले प्रतिक्रमण करके उसे क्षमा मांगी और उसे बंदी से छुड़ाया। देखिए इतिहास उठाकर देखते हैं तो कितने महापुरुषों का वर्णन आता है, सभी ने क्षमा अपनाई है। समय होने जा रहा है, अभी आपके सामने आलोचना का कार्यक्रम चालू होगा, लेकिन हमें क्षमा करना है, क्षमा देना है। लेकिन क्षमा मांगना देना लेना इतना सस्ता मत सोचो कि बाजार में गए, थैली लेकर गए और वहाँ पैसे दे दिए और सामान थैली में लेकर आ गए, उसे हम क्षमा नहीं कहते हैं। क्षमा इतनी सस्ती और इतनी साधारण नहीं होती है, उसके लिए तो आपको बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। किसी कवि ने बताया है, क्षमा की महफिल में मस्ती नहीं होती, क्षमा की महफिल में मस्ती नहीं होती और तीर्थंकरों की जैसी हस्ती नहीं होती। क्षमा की महफिल में मस्ती नहीं होती और तीर्थंकरों की जैसी हस्ती नहीं होती। हर साधना से सस्ती नहीं होती, हर साधना सस्ती नहीं होती और खमने खमाने में जबरदस्ती नहीं होती, खमने खमाने में जबरदस्ती नहीं होती। आप अपने जीवन में इस साधना को अपनाएंगे और हमें अपने क्रोध पर क्या करना है, जब व्यक्ति को क्रोध आ जाता है तो वो क्या कर लेता है, जब क्रोध आता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है और मुंह खुल जाता है। क्या बताया, आंखें बंद होती है और मुंह खुल जाता है, एक चिंतन का विषय है। ज्ञानी भगवंत ने बताया है, अगर किसी का एक कटु शब्द सहन कर लो, एक कटु शब्द अगर हम सहन कर लेते हैं तो 66 करोड़ मांस खमन का फल आप स्वयं प्राप्त करते हैं। लेकिन कैसा, उस समय जवाब नहीं दिया और बाद में जवाब दिया या राग द्वेष मन में रखा तो आपको 66 करोड़ मांस खमन का फल नहीं मिलता है। तो अगर हम जीवन में एक मांस खमन कर लेते हैं तो भी हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये चिंतन करो कि 66 करोड़ मांस खमन हम जिंदगी में करेंगे या नहीं करेंगे ये तो ज्ञानी जाने, लेकिन हमारी ये भावना रखो कि हम ये सीधा और सरल मार्ग है जिसको अपनाएं और हम कटु शब्द सहन करें तो सहज में ही घर बैठे ही आपकी साधना स्वयं हो जाएगी और स्वर्ग का रास्ता क्या हो जाएगा, अपना खुल जाएगा। लेकिन ज्ञानी भगवंत ने और भी बात बताई है कि 5 जगह क्रोध नहीं करना। तो 5 स्थान कौन से हैं, घर से जाते समय क्रोध नहीं करना। कितना सुंदर बताया, जब घर से निकलते किटकिट करके निकलते फिर कहते मासा लक्ष्मी तो आई रही को नहीं, कोई मंत्र बताओ ना, इतो कमाई रही हूं पर कहीं मिल रही हो को नहीं। अरे तुम्हारी कमी कहाँ है, तुम्हारी कमजोरी कहाँ है? 5 स्थान बताए हैं कि घर से बाहर निकलो जब क्रोध मत करो, और घर के अंदर आओ जब क्रोध मत करो, और खाना खाने बैठो जब तो क्रोध मत करो,
और सोते टाइम भी क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो, और सुबह बिस्तर से उठते हैं तो भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो आज का संदेश इतना ही कहता है कि हम अपने जीवन में जितनी क्षमा अपनाएंगे, जितनी समता रखेंगे, जितना राग देश को क्या करेंगे। आज कौन सा दिन है, समत्सरी का महापर्व, और हम सभी से क्या कर लेते हैं, एक दूजे को चलो हम करमिच्छामि दुक्कड़म, एक दूजे को चलो हम करमिच्छामि दुक्कड़म, माफी मांगने का मौसम करमिच्छामि दुक्कड़म, माफी मांगने का मौसम करमिच्छामि दुक्कड़म। हम सभी भाई बहनों से आज क्षमा याचना करते हैं, प्रतिक्रमण होने की बात तो करेंगे ही, लेकिन अभी भी मैं मेरी तरफ से, मेरी साधु मंडल की तरफ से क्षमा याचना करती हूँ, और सभी भाई बहनों से, संघ के पदाधिकारी, संघ के कार्यकर्ताओं से, संघ चातुर्मास प्रारंभ हुआ है, जब से कुछ न कुछ वातावरण, कुछ बातचीत करने में आई जाती हैं, तो सभी पदाधिकारी, सभी संघ के सदस्य, सभी जैन बंधुओं से, सभी बंधुओं से मैं क्षमा याचना, और मेरी साधु मंडल की तरफ से क्षमा याचना करती हूँ। आप सभी भाई बहन, आपको पता है समत्सरी महापर्व है, और उस दिन आप सभी को एक उपवास, प्रतिक्रमण और आलोचना और क्षमा याचना, ये कुछ नियम बताए ज्ञानी भगवंत ने, तो वह नियम आपको करना अति आवश्यक है। और जो व्यक्ति समत्सरी का उपवास नहीं करता है, तो उसके लिए बताया है कि वह गुरु की क्या रहती है, एक उपास जो समत्सरी का होता है वह गुरु की दक्षिणा होती है, और गुरु की दक्षिणा नहीं दी तो समझ लेना एक वर्ष तक आपके ऊपर गुरु का भार रहेगा। तो सभी भाई बहन समत्सरी का उपास अवश्य करें, और जो भाई बहन जामनेर नगर के अंदर जो तपस्याएं कर रहे हैं, उन तपस्वी भाई बहनों की मेरी तरफ से और साधु मंडल की तरफ से सुख साता पूछते हुए मंगल में कामना करती हूँ कि हे भगवान, जब तक इनकी तपस्या चले, सुख शांति पूर्वक चले, इनका मनोबल, आत्मबल दृढ़ बना रहे, इसी मंगल में कामना के साथ ओम शांति। उत्तराधायन सूत्र के 29वें अध्ययन में भगवान महावीर स्वामी ने बताया, आलोनाय मन्ते जीवे किम जनई, आलोनाय नम माया नियानम मिच्छा दंसनम सल्लानम मोक्षम मग्ग विज्ञानम अनंत संसार बंधानम उद्धारम करीम। प्रश्न पूछा, भन्ते आलोचना करने से जीव को क्या लाभ होता है? आलोचना करने से मोक्ष मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले तथा संसार की अभिवृत्ति करने वाले माया निदान भोग भिलाषा एवं मिथ्या दर्शन रूप शल्यों का क्षय होता है, विनाश होता है, आत्मा को शांति प्राप्त होती है। मंगलाचरण, आदिश्वर आदि नमो, नमो शांति जिनराज, नमो नेमी फन धारणे वर्धमान सुकराज, ओम रीम श्रीम अरम नमो नमो साधु गुणधार असी आउसाय नमो ज्ञान दर्शन सुखकार, ओम सोम आत्मा रिम पंच पद जान, सी सम्यक ज्ञान है यही तत्व पहचान, सिद्ध सी परमात्मा अरिभंजन अरिहन, इष्ट देव बंधु सदा भव भजन भगवान, अरिहंत सिद्ध समरु सदा आचार्य उझाय, साधु सकल के चरण में वंदु शीश नमाय, शासन नायक समरिये भगवंत विरजिनन, संकट सबटल जात है मिलता परमानन, अंगुष्ठे अमृत बसे लभितना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदाता, करुणा निधि कृपा करी कठिन कर्म दो छेद, मिथ्या ज्ञान और मोह का कर दो ग्रंथि भेद, इस अपार भव सिंधु में अन्य नहीं शरण कोई और, सम्यक दर्शन जो मिले तरना सुख से हो, पतित उद्धारण नाथ जी वितराग सुखकार, भूल चूक सब दास की खमजो बारंबार, पहली सुहाग रात को तजदी आठ हो नार, जिन शासन सेवा करी धन जम्बू अनगार, संतों की सेवा करेंगे रिझेंगे प्रभु आप, जाका बाल खिलाइए ताका रिझे बाप,
भवसागर संसार में दीप समा जिनराज पहुँचूंगा उस पार में बैठा के धर्म जहाज। ज्ञानातिचार प्राणी थे पाप की आघना नहीं कियो धर्म लगा रो रे इन भव की चिंता करी पर भव नाई विचारो रे प्राणी थे पाप की आघना आलाउं अतिचार ने धाराव्रत गुरु साखे जी खमाऊ सब ही जीव को योनि 84 लाखे जी प्राणी थे पाप की आघना। ज्ञान दर्शन ने चारित्र आचार्य तप वीर पाचो जी भव भव की आलोयना करी बनु में साचो जी प्राणी थे पाप की आघना। सूत्र सिके नई भाव से दोषन काल के तालो जी स्वाध्यायी बन कर कभी वीर वचन नहीं पाले जी प्राणी थे पाप की आघना। ज्ञानी की निंदा करी ज्ञान प्रभावना न किनी जी दी अंतराय विज्ञान में ज्ञानावरण बांधी धनी जी प्राणी थे पाप की आघना। पुस्तक का संग्रह करी नई व्यवस्थित राख्या रे की आशा तना ज्ञान की उसका कटुक फल चाख्या रे प्राणी थे पाप की आघना। दशातिचार जिन वाणी में शंका करी मिथ्या बातों का अभिलाषी रे सत तत्व की निंदा करी चमत्कार में चारी रे प्राणी थे पाप की आघना। आत्मशक्ति को भूल कर अंधश्रद्धा क्यों बढ़ाई रे निष्ठा सत्य की छोड़ कर जीवन शांति घटाई रे प्राणी थे पाप की आघना। देव गुरु और धर्म के मर्म को नहीं तूने जाना रे बुद्धि स्थिर करी नहीं झूठ मत को ताना रे रे प्राणी थे पाप की आघना। इस प्रकार ज्ञान दर्शन अतिचार के विषय में जो कोई दोष सेवाया हो सेवता ने भला जाना हो तो अनंत सिद्ध अरिहंत भगवान तथा गुरुदेव की साक्षी से सर्व संबंध कोई पाप दोष लगा हो तक मिच्छामि दुक्कड़म। 25 मिथ्यात्व कुदेव पर श्रद्धा रखी कुगुरु सिख न मानी रे कुधर्म के रास्ते चढ़ो दृढ़ श्रद्धा न पिछानी रे प्राणी थे पाप की आघना। देव धर्म सब एक है कीमत सब की सरकी रे सहज भाव मिथ्या तो में साची बात न राखी रे प्राणी थे पाप की आघना। भेद समझ में आ गया फिर भी न सत्य स्वीकारा रे कुतर्क दे असत्य का अपना पक्ष सवारा रे प्राणी थे पाप की आघना। गहरे तत्व सत्य धर्म के केवली प्रूपित सारे रे संचय या शंका करी ओछे शब्द उचारे रे प्राणी थे पाप की आघना। क्या मिथ्या क्या सत्य है अज्ञान में नहीं जाने रे अनाभोगी दया पात्र है भेदा भेद न पिछाना रे प्राणी थे पाप की आघना। समाज रूढ़ी नहीं धर्म है उत्सव धर्म न हो पावे रे ये बातें लौकिक तनी लोकोत्तर नहीं बन पावे रे प्राणी थे पाप की आघना। लोकोत्तर शक्ति घनी करी लौकिक प्रसिद्धि रे हीरा लुटावे मोल में होके मिथ्या तो में जिद्दी रे प्राणी थे पाप की आघना। अज्ञानी आसक्त के कुवचन श्रद्धा ने सुनिया रे जो खुद ही ना तर सके वो क्या तारे गुनिया रे
प्राणी थे पाप किया घना, जो भा क्या भगवंत ने उसमें घट बड़ कनारे, या विपरीत ही बोलता किस विद होगा तनारे। प्राणी थे पाप किया घना, दया धर्म न मान कर हिंसा में धर्म है के तारे, साधु को कहे साधु नहीं असाधु साधु समझा रे। प्राणी थे पाप किया घना, जीव अजीव लक्षण कभी नहीं सीखे नहीं समझे रे, जीवा जीव समझा बिना आत्म भव भव उलझे रे। प्राणी थे पाप किया घना, सम्यक ज्ञान दर्शन अरु चैत मार्ग है सच्चे रे, राजमार्गों को छोड़कर चला कुन मार्ग पे कच्चे रे। प्राणी थे पाप किया घना, ब्याह सगाई संसार का कारज मुक्ति बताया रे, दानशील तप भावना संसारी कार्य समझाया रे। प्राणी थे पाप किया घना, अज्ञान अवरत प्रमाद को धर्म समझ कर भस्तारे, जो दिखता वही सत्य है अरूपी सत्य को तस्तारे। प्राणी थे पाप किया घना, देव गुरु और धर्म की अविनय आशतना की नीरे, शुद्ध क्रिया की निंदा करी अक्रिय परूपना दिनीरे। प्राणी थे पाप किया घना, अज्ञान पाप की खान है ज्ञान में रुचि नहीं राखी रे, 25 मिथ्यात्व में भम्यो सत्य की रुचि नहीं चाखी रे। प्राणी थे पाप किया घना, सिद्धा ने सकर्मी कया कर्मी अकर्मी ठहराया रे, अविनय अक्रिय अज्ञानता मिथ्या आशातना दर्शाया रे। प्राणी थे पाप किया घना, जीव भमे संसार में सेवा 25 मिथ्या तोरे, खोटा जान में ते परिहरु नहीं से ऊ कोई भंतोरे। प्राणी थे पाप किया घना, ऐसे 25 प्रकार के मिथ्यात्व में से कोई भी मिथ्यात्व का सेवन किया हो कराया हो करने वाले को भला जाना हो, अरहंत सिद्ध केवली भगवान और गुरुदेव की साक्षी से सव सवरे संबंधी कोई पाप दोष लगा हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। अभी पहला अहिंसा व्रत चारित्र और अतिचार। पशु या नौकर के ऊपर काम का बोझ भारी दिनारे, मार के या कटु शब्द से अंतकरण को छिलारे। प्राणी थे पाप किया घना, बंधन में रखे बांध के मानव पशु या पक्षी रे, मुझी यम में बांधे जीव को देख दया नहीं लक्षी रे। प्राणी थे पाप किया घना, सर्कस देख खुशी हुई अंदर की हिंसा न जानी रे, नाटक सिनेमा देख कर राजी हुयो घनो प्राणी रे। प्राणी थे पाप किया घना, रोगी पर वस जीव का दवा इलाज न कराया रे, भोजन पानी दिया नहीं काम तो खूब कराया रे। प्राणी थे पाप किया घना, काक्रोच चीटे कीड़िया बिना विवेक सन मारे रे, मच्छर कथुआ बहुविध जीव हंसारे प्राणी रे। प्राणी थे पाप किया घना, चूल्हे चूहे कुत्ते आदि को पिंज में बंद कराया रे, जहरी दवाया छाट कर जीव अनेक मराया रे। प्राणी थे पाप किया घना, शरीर मोह में ग्रंद हो दवाया अशुद्ध मंगाई रे, दवा में कितना पाप है ऐसी बुद्धि न चलाई रे। प्राणी थे पाप किया घना, खाने पीने या वंश में हिंसा हिसाब न भाई रे, मौज शोग श्रृंगार में परोक्ष हिंसा कराई रे। प्राणी थे पाप किया घना,
साप सपाई विवेक से करना धर्म है भाई रे, जीवो पी करना मारना अधर्म बड़ा सुख दुखदाई रे, प्राणी थे पाप किया घना पाउडर लिपस्टिक पर्स या वर्क चांदी के या जूते रे, प्राणी को अत्यधिक दुख दे ये सब निमित्त होत रे, प्राणी थे पाप किया घना। इस प्रकार अहिंसा व्रत में मन वचन काया से जानते अजानते कोई भी दोष सेवन किया हो, सेवन कराया हो, दोषी व्यक्ति की अनुमोदना की हो तो अनंत सिद्ध अरिहंत गौरी भगवान तथा गुरुदेव की साक्षी से समस्त सर्व संबंधी कोई पाप दोष लगोत मिच्छा मृक्रम। द्वितीय सत्यव्रत। शंका करी कलंक दिया क्लेश विवाद जगाया रे, मर्म का भाषा बोल कर और में मन को जलाया रे, जानी थे पाप किया घना और का धन दबा कर लिखे कागज झूठे रे, धोखा दिया चतुराई से कर्तव्य तेने अनूठे रे, प्राणी थे पाप किया घना असत्य बोलिया कोर्ट में झूठी साक्षी दीनी रे, सत्य की पूंजी बेच कर असत्य की दौलत लीनी रे, प्राणी थे पाप किया घना धन पर आया जो दाबते दब जाते खुद वे हिरे, करूंगा सत्य की साधना मिली मुझे नर देही रे, प्राणी थे पाप किया घना विचार धारा जो सत्य नहीं तथ्य नहीं जहाँ कोई रे, डर कर दब कर धन लिया सत्य की निष्ठा खोई रे, प्राणी थे पाप किया घना। ऐसे सत्यव्रत में मन वचन काया से जानते अजानते कोई भी दोष सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए को अनुमोदना की हो तो अनंत सिद्ध केवरी भगवान की साक्षी से तथा गुरुदेव की साक्षी से समस्त शरीर संबंध के पाप दोष लगाओ तथा मिच्छा मृगुणम। तृतीय अचौर्य व्रत। चोरी की वस्तु लिनी चोरों को सहायता दीनी रे, मर्यादा तज धंधे किए वस्तु में मिलावट किरी रे, प्राणी थे पाप किया घना पराई वस्तु आज्ञा बिना लेकर हुआ रे तू राजी रे, धन की प्राप्ति के लिया बनाया औरों के पाजी रे, प्राणी थे पाप किया घना कर्तव्य पालन जो भूले वह भी चोरी बताई रे, धर्म गुरु या समाज का काम न करना अलसाई रे, प्राणी थे पाप किया घना। इत्यादि अचौर्य व्रत के विषय में मन वचन कैसे जानते जानते कोई भी दोष सेवन किया हो, सेवन कराया हो, करते हुए अनुमोदन किया तो अरिहंत सिद्ध केवली भगवान तथा गुरुदेव की साक्षी से समस्त शरीर संबंध कोई पाप दोष लगाओ तथा मिच्छामि दुग्रम। घर छोड़ी परसी रम्यो जग में अपयश लीना रे, धन गवाया गाठ के दिक दिक सब ने किनारे, प्राणी थे पाप किया घना जातिया पर जात की छोटी बड़ी उमर की रे, पराई से क्रीड़ा करी रोती रखी सी घर की, प्राणी थे पाप किया घना विधवा अनाथ गरीब को पैसे देकर भोग किया रे, अंधा हो गया विषय में बुझ गया ज्ञान दिया रे, प्राणी थे पाप किया घना संबंध जोड़े रस लेकर संसार अनंत बढ़ाया रे, अनंत बंद तेरे पड़े अनंत ने भर माया रे, प्राणी थे पाप किया घना क्रिया अंग या अनंग की करके स्वास्थ्य गवाया रे, खाली डिब्बा तू ही बना हाथ में कुछ नहीं आया रे, प्राणी थे पाप किया घना। इस प्रकार चौथे ब्रह्मव्रत के विषय में मन वचन कैसे जानते अजानते कोई भी दोष लगाया हो तो अरिहंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से गुरुदेव की साक्षी से सर्व शरीर संबंधी कोई पाप दोष लगा हो तस्मिच्छामि दुग्रम।
पांचवा अपरिग्रहवत का खेत वस्तु धन धान्य या सोना चांदी हीरा रे मनुष्य या पशु पक्षी का परिग्रह कम करो विरारे प्राणी थे पाप किया घना परिग्रह पर ममता रखी बढ़ाया रोज थोड़ा थोड़ा रे इसी चिंता में मर जाएगा प्रभाव में अटकेगा रोड़ा रे प्राणी थे पाप किया घना योग्य अयोग्य न देखिया न्याय अन्याय न जाना रे हिंसा चोरी झूठ से तृष्णा में मन को तान्यो रे प्राणी थे पाप किया गना गया अंधेरा सूरज उगता कुमति गई गुरु साखे रे सुमति गई अति लोभ में विनय गनो गयो अभिमाने रे प्राणी थे पाप किया घना धन मारो में धन रो धन में धर्म गमायो रे दान देता कापे हाथ ने मन में भरम समायो रे प्राणी थे पाप किया घना जाल सासी धोखा करी पैसा सुमोज उड़ाई रे हसस ने कर्म बांधिया भोगता घना दुखदाई रे प्राणी थे पाप किया घना पैसा कमावन में घनो शूर बनो गयो भाई रे धर्म में कायम रहो आगे हो सिकाई रे प्राणी थे पाप किया घना पांचवा व्रत ना दोष में लगाया सेव्या अतिचारो रे अनंतरा बंधन बांधिया किम होसी भव पारो रे प्राणी थे पाप किया घना इस प्रकार पांचवे अपरिग्रह व्रत के विषय में मन वचन काय से जानते जानते कोई भी दोष सेवन किया हो सेवन कराया हो करते हुए की अनुमोदना की हो तो अनंत सिद्ध केवली भगवान तथा गुरुदेव की साक्षी से सवसरी संबंध कोई पाप दोष लगा हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। छठा दिशा परिणाम व्रत देश देशावर में भमे जाकी मर्यादा न काई रे औरत नाला नहीं रोकिया तृष्णा में जिंदगी गमाई रे प्राणी थे पाप किया घना लोपी मर्यादा लोभवश विदेश वस्तु मंगाई रे धर्म रे धन दोनों गया बुद्धि कहा गई भाई रे प्राणी थे पाप किया घना हिन्ना करी स्वदेश की परदेशा में जाई रे धन हेतु भटक्यो घनो मन समतान लाई रे प्राणी थे पाप किया घना इस प्रकार छठे दिशा और परिणाम व्रत के विषय में मन वचन कैसे जानते जानते कोई भी दोष सेवन किया हो सेवन कराए हो दोषी व्यक्ति की अनुमोदना की हो तो अनंत सिद्ध अरिहंत केवली भगवान तथा गुरुदेव के साक्षी से सवसर संध के पाप दोष लगाओ तस्मिच्छामि दुक्कड़म। भोगा भोग व्रत वस्तु भोग उपभोग की नहीं मर्यादा थारे रे भक्ष भक्ष जाने नहीं यो मानव भव हारे रे प्राणी थे पाप किया घना तोलिए और रूमाल की गिनती नहीं तू राखे रे दातुन के लिए पेस्ट में हिंसा नहीं तू देखे रे प्राणी थे पाप किया घना फलों में बीज जीव कीतने इसका ध्यान नहीं रखता रे पशु चरे उस भात ही दिन भर तू भी चता रे प्राणी थे पाप किया घना तेल फूलेल स्प्रे छाट कर बन गयो भोगों में भौरा रे पिठी मर्दन स्थान में सोचा नहीं आत्म खतरा रे प्राणी थे पाप किया घना महंगे मुलायम वस्त्र को नाना विधि से सजाया रे फूलों पर करुणा नहीं दिए मंडप में लगाए रे प्राणी थे पाप किया घना धूप खेवी धुआ किया मक्खी मच्छर भगाया रे चाय दूध कॉफी अदी खूब पिया और पिया रे प्राणी थे पाप किया घना हीरे पन्ने मानिक का सोना चांदी और मोती के
सचे नहीं तो झूठे सही, गहने पहने भांति भांति रे, प्राणी थे पाप किया घना, स्कूटर मोटर ली ली बिकी, मर्यादा नहीं समझो रे, आराम और धन मोह में, अज्ञानी जीव तू उलझो रे, प्राणी थे पाप किया घना, लाड़ू पेड़ा और लापसी, विविध पचकान थे खाया रे, मर्यादा राखी नहीं, प्रभु वचन नहीं भाया रे, प्राणी थे पाप किया घना, विगय दही दूध तेल और घी शक्कर है भाई रे, पाचो खाए रोज ही, कमी न राखी काई रे, प्राणी थे पाप किया घना, चावल आदि धान भी बिन बिन रुचि खाए रे, साग बताए भात भात के, खमंग छोक लगाए रे, प्राणी थे पाप किया घना, दाखम दाड़ मने खोबरा, काजू बादाम ने पिस्ता रे, अक्रोड़ चारोली आदि, सेवे की इच्छा रखता रे, प्राणी थे पाप किया घना, जीमन कई तू जीम तो, हिसाब नहीं कदी राख्या रे, आरंभ लागे मोट को, प्रभु वीर भाक्या रे, प्राणी थे पाप किया घना, ठंडा पानी ने तू पीवे, मन पटे वही नावे रे, उन्ना ठंडा भेड़ा करे, अनछान जल जावे रे, प्राणी थे पाप किया घना, लोंग सुपारी इलायची, जर्दा पान तम्बाखू रे, जूता भांति भांति का, कोई मर्यादा न राखू रे, प्राणी थे पाप किया घना, सोफा पलंग गादी तथा, गालीचा खूब लगाया रे, मन भरमाया श्रृंगार में, जिन वचन नहीं भाया रे, प्राणी थे पाप किया घना, चटनी आचार भांति भांति के, मिर्चा धुनिया नींबू रे, ऊपर से ले नमक को, खूब बढ़ाया स्वाद सिंदू रे, प्राणी थे पाप किया घना, आलू प्याज लसन मूली, गाजर कंद मूल खावे रे, चौमासा में ग्रह आठम पक्षी, यादन आवे तारे रे, प्राणी थे पाप किया घना, अदप की ज्वार बाजरी, गेहूं मक्का सेक खाया रे, बैंगन प्याज भरता करी, ताना तुझको सुना खाना, तुझको सुहाया रे, प्राणी थे पाप किया घना, थोड़ा खाई घना ना किया, इकसिता पल आदि रे, एठो छोड़ो जीम के, रात्रि भोजन का स्वादी रे, प्राणी थे पाप किया घना, अभक्ष बाविस जाने नहीं, मद मऊवा घर राखे रे, जीवो की हिंसा है घनी, प्रभु विरजी भाके रे, प्राणी थे पाप किया घना, मदिरा अनेक प्रकार की, हल्की भारी सेवे रे, मांसाहार करे घना, धर्म ने दाग लगावे रे, प्राणी थे पाप किया घना, त्रस सावर हिंसा घनी, दया को नहीं अरे अंसो रे, लाज मर्यादा खोयने, लजाया मात तात वंशो रे, प्राणी थे पाप किया घना, ऐसे भोग उपभोग व्रत के विषय में मन वचन का से जानते अजानते, कोई भी दोष सेवन किया हो, सेवन कराया हो, करते हुए के अनुबोधना की हो, तो अनंत सिद्ध अरिहंत केवली भगवान तथा गुरुदेव के साक्ष्य से संवत्सर संबंध कोई पाप दोष लगा हो, तस्मी छामी दुग्रम 15 कर्मदान। घर छोड़ी परसी रम्यो, जग में अपयश लिनारे, धन गवाया गाठ का, दिक दिक सबने किनारे, प्राणी थे पाप किया घना, भट्टी तक तपा कर ईट और, चूना पकाया भाई रे, लकड़ी के लिए कोयले, जंगल कटाया दुखदाई रे, प्राणी थे पाप किया घना, ट्रक टेम्पो भाड़े दिए,
कार्यालय बंधवाए रे, भवन बनाकर बेचता, खूब पैसे खूब कमाए रे, प्राणी से पाप किया घना, पहाड़ पत्थर फोड़ कर सुरंग खूब लगाया रे, हीरा पनना के लोभ में धरती के पेट कपाया रे, प्राणी से पाप किया घना, कुआ तालाब तालाब स्विमिंग पूल खुशी खुशी से बंधाया रे, विदेशी वस्तु के व्यापार में कुछ भेजे कुछ मंगाया रे, प्राणी थे पाप किया घना, मिले चलाई जोर से कारखाने भी खोले रे, महाआरंभी जीव तू पाप सु दिल नहीं डोले रे, प्राणी थे पाप किया घना। ऐसे पंद्रदान कर्मदान के विषय में मन वचन कैसे जानते अजानते कोई भी दोष सेवन किया हो, सेवन कराया हो, दोषी व्यक्ति के अनुमोदना की हो, तो अनंत सिद्ध अरिहंत केवली भगवान तथा गुरुदेव के साक्ष्य से समस्त संबंधी कोई पाप दोष लगा हो तो मिच्छा मिजुकड़म अनंत दंड वीर मन व्रत। अनंत दंड यान विवेक का जिसमें ध्यान न धरता रे, कर्म बंधन बिन काम का भवी जीवन ही करता रे, प्राणी थे पाप किया घना, आत रुद्र कु ध्यान को निष्कार नहीं ध्याया रे, सुध्यान धर्म रूप शुक्ल है मन को वह न सुहाया रे, प्राणी थे पाप किया घना, बर्तन घी दही तेल के आलस में खुले रखे रे, दूध पानी या अन्य वस्तु को विवेक से नहीं ढके रे, प्राणी थे पाप किया घना, चकू छुरिया कैचिया खुश होकर के बाटी रे, कामो तेज पुस्तक पढ़कर होता रहा राजी रे, प्राणी थे पाप किया घना, मल मूत्र कफ और पीत को विवेक से न पठाया रे, पकाया हुआ अन्न राख कर अविवेक से सड़ाया रे, प्राणी थे पाप किया घना, पुराना घर को तोड़ कर नया घर बंधवाया रे, रात को वस्तु भिगोय कर स्वादिष्ट भोजन बनाया रे, प्राणी थे पाप किया घना, कीड़े पड़े हुए धान को धूप में मैना डाला रे, कीड़े पड़े हुए द्विदल को बिने देखे ही उबाला रे, प्राणी थे पाप किया घना। ऐसे अनंत दंड वीर मत्वत के विषय में कोई भी दोष सेवन किया हो, सेवन कराया हो, दोषी व्यक्ति के अनुमोदना की हो, तो अनंत सिद्ध अरिहंत केवली भगवान तथा गुरुदेव के साक्ष्य से समस्त संबंधी कोई पाप दोष लगा हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। सामायिक व्रत। सामायिक के महत्व को नहीं सब जान नहीं सदारे, अनारंभी पुण्य की कमाई का खास मुद्दारे, प्राणी थे पाप किया घना, तीन करण दो योग की सामायिक हितकारी रे, 242 टाल कर बनती वह गुणकारी रे, प्राणी थे पाप किया घना, शुद्ध सामायिक ना करी बातें खूब लड़ाई रे, आसन भी सिर ना रखा मौन न करी न समाई रे, प्राणी थे पाप किया घना, खुले मुख से बोल कर संत संती की निंदा रे, पवित्र स्थान में बैठ कर किया पाप का बंधा रे, प्राणी थे पाप किया घना। इस प्रकार सामायिक व्रत के विषय में जो कि दो सेवा हो सेवता ने भला जाना है, तो अंत सिद्ध अंत केवली भगवान तथा गुरुदेव के साक्षी से समस्त संत के पाप दोष मिच्छा अमित क्रम। दसवा देशावासी व्रत। सवर में श्रद्धा नहीं देश अवकाशी रे, औरों को करता देख कर उनकी उड़ाई हंसी रे, प्राणी थे पाप किया घना, पंचाश्रव के त्याग में रात्रि एक रहता रे, खुद करता न करवावता व्यर्थ की बातों में बैता रे, प्राणी थे पाप किया घना। पोषद्वत।
पोषद लेकर आत्म की औषधि क्यों नहीं कतारे, कर्म बीमारी बढ़ रही न तारे नहीं ततारे, प्राणी थे पाप किया घना, पोषद में प्रतिलेखना नहीं बराबर किनी रे, विधिवद पोषद ना किया सदा सिकन लिनी रे, प्राणी थे पाप किया घना, अतिथि संव्यग्रत शुद्ध चरित्र संत को देख के श्रद्धा न जानी रे, कहा न धन्य मेरे भाग्य है घर में पधारया त्यागी रे, प्राणी थे पाप किया घना, सुपात्र दान को दे कर सुसाधु नहीं पोषारे, टगर टगर रया देखता भक्ति से न संतोषारे, प्राणी थे पाप किया घना, भरिया घर में जमनिया समनो पासक कहाया रे, खाली हाथ ही जाएगा जाओ सर ये गवया रे, प्राणी थे पाप किया घना, दान देते देखा और को मन में मलिनता धारी रे, प्रभाव में इस पाप से होगा दरिद्र अवतारी रे, प्राणी थे पाप किया घना, ऐसे देशावासी व्रत पोषद व्रत अतिथि संभाग्रत के व्रत में मन वचन कैसे जानते जानते कोई भी दोष सेवन किया हो सेवन कराया हो दोषी व्यक्ति की अनुमोदना की हो तो अनंत सिद्ध अरिहंत केवली भगवान तथा गुरुदेव की साक्षी से समस्त संबंध के पाप दोष मिच्छा मिथुक्रम स्वीकृत आलोचना कुलता नारी हो यने परपुरुष सेवन किदारे नर नारी सहयोग कराविया और गर्भ गाली दिधारे, प्राणी थे पाप किया घना, नींबू केरी चीरने भरिया माही मसाला रे, गड़गुम बड़ हुआ थका ऊपर बांध्या पाला रे, प्राणी थे पाप किया घना, गाली गीत गाया घना, नाटक बहुत रचाया रे, हास्य विनोद विलास से विषय रास रचाया रे, प्राणी थे पाप किया घना, सास ससुर देव जेठने सुख नई सुख रति नई दीदारे, भाई भोजाई मायने जुदा जुदा घर किनारे, प्राणी थे पाप किया घना, घर में बड़ेरी होयने ब्याह सगाई करियारे, बेटी बेटी पर नायने उपदेश न सोवन का दिया रे, प्राणी थे पाप किया घना, बिंद बिंदनी मायने देखिया नजर विकारो रे, व्रत रो भंग हो वे सही उठी दृष्टि विचारो रे, प्राणी थे पाप किया घना, कई कडूबी देखने कई मनसा पापो रे, कई होय के डूबिया ऐसा समझा आपो रे, प्राणी थे पाप किया घना, शंशन में क्रोध कियो धन देह कियो अभिमानो रे, कपट कियो भरतार से गेना को लोभ अस मानो रे, प्राणी थे पाप किया घना, निर्दोषो बा पर निंदा करी करिया पाप अठारो रे, घर धंदो कियो घनो कि महोसी भव पारो रे, प्राणी थे पाप किया घना, समझनी बाई बाजती चोले शुंगार बनाया रे, झिनी ताल जो चालती पर पुरुषाने रिझाया रे, प्राणी थे पाप किया घना, डोरा डंडा करे घना टामन टू मन करती रे, निज घर पेरती के नहीं पर घर में नित फिरती रे, प्राणी थे पाप किया घना, साधु साध्वी मायने घन बधायो द्वेषो रे, मन में तू राजी हुई आगे कई देशी लेखो रे, प्राणी थे पाप किया घना, सत्या का नहीं काम ये हृदय में समझो माया रे, कोई पुरुष जो देखसी देसी कलंक लगाया रे, प्राणी थे पाप किया घना, इतनी सीखावन मानसी तो सुधे लो का जो रे, साधु गुरु जी कहे न का मान्या सुसुख हो सिखासो रे, प्राणी थे पाप किया घना, इत्यादि श्री क्रिया के विषय में जो कहती चार दोष सेवन किया हो सेवन कराया हो दोषी व्यक्ति की अनुमोदना की हो तो अनंत सिद्ध अरिहंत केवली भगवान तथा गुरुदेव के साक्षी से सर्व संबंध कोई पाप दोष लगा तो मिच्छा मिदुक्रम।
पुरस्कृत आलोचना धोबी तेरी ताम बोली थयो श्रुद्ध वनिक ने राजो रे ब्राह्मण हो यज्ञ किया धीवर पायथी अकाजो रे प्राणी थे पाप किया घना रंगारा भव माय ने अनेक भटिया चढ़ाई रे गाची मोची खाटिक भवे लुटा प्यान हर शाई रे प्राणी थे पाप किया घना सावक नाम धराय ने व्रत बारा नई लिनारे नेम चौदान चितारिया रात्रि भोजन किनारे प्राणी थे पाप किया घना प्रश्न कपट से पूछने छटा मस्करी कतोरे भोला साधु ने देखने मुखे पलो दई हस्तोरे प्राणी थे पाप किया घना छल छिद्र देखे घना घनी कपट की फांसी रे अनहोती बाता स्थापने सिद्धि दुर्गति जासी रे प्राणी थे पाप किया घना निंदा की दी पार की इधर उधर लगाया रे निचता तो जान्यो नहीं साधु ने खूब लड़ाया रे प्राणी थे पाप किया घना साधु अज्ञानी जो होवे सावक में मिल जावे रे सावक पक्ष बने घनो दोनों की निंदा ठावे रे प्राणी थे पाप किया घना इत्यादि पुरस्कृत के विषय में जो के अतिचार दोष सेवन किया हो सेवन कराया हो दोषी व्यक्ति की अनुमोदना की हो तो अनंत सिद्ध केवली भगवान तथा गुरुदेव के साक्षी से सवसौरी संबंध के पाप दोष लगा हो तस्मिच्छामि द्विक्रम ऐसे सिद्ध भाव से जो आत्मक्रूश दोष पाप की आलोचना करेंगे कराएंगे एवं जिनेन्द्र महाप्रभु के आज्ञा के आराधक आप होंगे उभय लोक में सुख शांति का अनुभव करेंगे मोह कर्म के बंधन को तोड़ केवल ज्ञान प्राप्त करने की यशस्वी आत्माएं अचल अविनाशी नित्य निराभास सुख में लीन होंगे बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरुदेव की आज्ञा से ओम रीम सिंह चिंतामणि पाशा थाय मम मनोरथ पूरी पूरी स्वा ओम रीम सिंह चिंतामणि पाशा थाय मम मनोरथ पूरी पूरी स्वा ओम रीम सिंह चिंतामणि पाशा थाय मम मनोरथ पूरी पूरी स्वा ओम रीम सिंह मरम सिंह जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धि सिद्धा ओम रीम सिद्धाय मम मनोरथ पूरी पूरी स्वा ओम रीम सिंह मरम सिंह जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धि सिद्धा ओम रीम सिद्धाय मम मनोरथ पूरी पूरी स्वा ओम रीम सिंह मरम सिंह जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धि सिद्धा ओम रीम सिद्धाय मम मनोरथ पूरी पूरी स्वा गुरुदेव की आज्ञा से श्री श्री चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम के लिपंतो मंगलम चतारी लघुत्तमा अरियंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा के लिपंतो मो लघुत्तमा चतारी शरणम पौजामि अरियंता शरणम पौजामि सिद्धा शरणम पौजामि साहू शरणम पौजामि के लिपंतो मो शरणम पौजामि अरिहंत का सरणा सिद्ध का सरणा साधु जी महाराज का सरणा केवली परूपी दया धर्म का सरणा चार सरणा मंगल करना उरन सरणा निको जय भवि प्राणी आदरि तो अक्षय बोलो जिन शासन देव की जय आज के आनंद की जय। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत तिरुपती इलेक्ट्रॉनिक्स बजरंग पुरा रोड जामनेर प्रोप्रायटर सनी डांगी गेंदाबाई मोहनलाल लोढा मोहन भवन प्रतिष्ठान जामनेर जिल्हा जळगाव अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी जवाहरलाल लोढा धनपुष्प लघु उद्योग पापड निर्माता बड़ा कोठा जामनेर जिल्हा जळगाव प्रकाशचंद जैन मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी जामनेर जिल्हा जळगाव